वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। अगस्त 2023 का उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर बाइलिंगुअल फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अवार्ड के बारे में बात कर ले रहे हैं। अवार्ड उत्तर प्रदेश की एक स्वास्थ्य योजना को मिला है, तो उस स्वास्थ्य योजना के बारे में पता होना चाहिए कौन सी स्वास्थ्य योजना है। जो मां नवजात ट्रैकिंग एप्लीकेशन मंत्रा ऐप जो या फिर मंत्रा सर्विसेज शुरू की थी एनएचएम उत्तर प्रदेश ने, नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश ने मंत्रा ये शुरू किया था डिलीवरी पॉइंट हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए, यानी कि जो लेबर रूम्स होते हैं जहां पर नवजात शिशुओं को जन्म देती है माएँ, वहां पर सुविधा सुरक्षा के लिए ये मंत्रा ऐप शुरू किया गया था। इस मंत्रा ऐप के लिए उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया था। केंद्र सरकार की तरफ से कैटेगरी वन में सम्मानित किया गया उत्तर प्रदेश की इस योजना को, गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम के अंतर्गत। इसके बाद उत्तर प्रदेश स्टेट टीचर अवार्ड, उत्तर प्रदेश ने स्टेट टीचर अवार्ड में आगरा के फतेहपुर सीकरी ब्लॉक में तैनात वर्षा चाहर को चुना था। तो वर्षा चाहर उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा जो शिक्षक पुरस्कार दिया गया था उसके लिए चुनी गई हैं। केंद्र सरकार ने जो शिक्षक पुरस्कार दिए थे करीब 75 शिक्षकों को देश भर में से पुरस्कार मिले थे। उत्तर प्रदेश के कितने शिक्षक चुने गए हैं सबसे पहले तो ध्यान रखना है और उनके नाम कौन कौन से हैं। एक्चुअली 75 नहीं 50 शिक्षक टोटल चुने गए थे, 75 नहीं देश भर से 50 चुने गए थे। उत्तर प्रदेश के 3 शिक्षक सम्मानित किए गए हैं, 3 शिक्षक जो उत्तर प्रदेश से आते हैं वो कौन कौन है, फतेहपुर की आशिया फारूकी, बुलंदशहर के चंद्र प्रकाश अग्रवाल और मेरठ के सुधांशु शेखर पांडा को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग योजना अभियान पर। तो सबसे पहले शक्ति, शक्ति ये मिशन शक्ति के बारे में नहीं बात हो रही है, हाँ उसी के अंतर्गत ये जो है एक लोकल लेवल कैंपेन चला था बुलंदशहर में, मतलब मिशन शक्ति के अंतर्गत थी ये, आपका मिशन शक्ति अभियान चलाया गया था बुलंदशहर में। इसका उद्देश्य क्या, विमेन को सेल्फ रिलायंस के बारे में जानकारी देना, विमेन के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना, विमेन सेफ्टी के बारे में, सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में, सेल्फ रिलायंस के बारे में और जो रेमेडीज अवेलेबल हैं अगर कोई मतलब छेड़ता है पीछा करता है तो उसके लिए क्या कर सकती है महिलाएं, इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये लोकलाइज्ड कैंपेन शुरू किया गया था अगस्त में बुलंदशहर में। इसके बाद मेरी माटी मेरा देश अभियान है, तो केंद्र सरकार का अभियान ये चला था 15 अगस्त को लेकर के मेरी माटी मेरा देश। तो ये अभियान जो है ये प्रदेश में भी ब्लॉक स्तर पर, नगर निगम स्तर पर, नगर पालिका के स्तर पर, गांव स्तर पर भी आयोजित किया गया था उत्तर प्रदेश में। ये शुभारंभ इसका कहाँ से हुआ था, काकोरी में इसका शुभारंभ हुआ था मेरी माटी मेरा देश अभियान, ठीक है, कहाँ से, काकोरी से। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना, तो ये ग्रेजुएट्स के लिए है, जो ग्रेजुएट्स ट्रेनी के तौर पर काम करते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में उनको जो स्टाइपेंड मिलता है उसमें 1,000 रुपये की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार की ओर से की जाएगी। तो स्टाइपेंड की राशि को बढ़ाकर प्रतिमाह 9,000 रुपये तक कर दिया गया है। तो चीफ मिनिस्टर्स अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम में अधिकतम लाभ पर मंथ कितने का मिलता है, तो ये 9,000 रुपये पर मंथ तक का मिला करेगा, ये पूछ सकते हैं। माइक्रो एंटरप्रेन्योर एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, यानी कि सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। ऐसे 90 लाख व्यापारी हैं उत्तर प्रदेश में जो 5 करोड़ रुपए से कम पूंजी पर काम करते हैं, 40 लाख रुपए साल से कम उनका टर्नओवर है, ऐसे व्यापारियों को 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। माइक्रो एंटरप्रेन्योर एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम यही है। कृषि क्षेत्र को विकसित करने के लिए जल और मृदा संरक्षण के साथ साथ फल फूल मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी और इंटीग्रेटेड रूप से इन सभी क्षेत्रों का विकास करने के लिए वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। जैसे एक जिला एक उत्पाद स्कीम काफ़ी हिट स्कीम रही है उत्तर प्रदेश की एज पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, तो ऐसे ही कृषि को प्रमोट करने के लिए मत्स्य पालन डेयरी मतलब एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज जो होती हैं उन सभी के विकास के लिए एक ब्लॉक एक प्रोडक्ट स्कीम यहाँ पर चलाई जाएगी, ठीक है। इसका उद्देश्य प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर के उत्पादों को अच्छा बाजार मूल्य उपलब्ध कराना, गुणवत्तापूर्ण उत्पादों का संवर्धन करके एग्रो प्रोसेसिंग हेतु किसानों को जागरूक किया जाएगा। इस योजना पर कृषि विभाग कार्य कर रहा है। तो जैसे हमको डायरेक्ट यहाँ पे मिल गया कि हमसे पूछेंगे क्या, मान लीजिए सवाल आता है कि वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम किससे एसोसिएटेड है, तो अब ये लोकलाइज्ड प्रोडक्ट या फिर लोकल फॉर ग्लोबल के लिए नहीं रहेगी, ये किसके लिए है, एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज को या एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज से संबंधित प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए एग्रो प्रोसेसिंग के प्रति किसानों को जागरूक करने के लिए, ठीक। नशा मुक्त प्रदेश सशक्त प्रदेश अभियान ने चलाया गया था 12 अगस्त से, युवा दिवस के अवसर पर नशा मुक्त प्रदेश सशक्त उत्तर प्रदेश अभियान शुरू किया गया था। इंटरनेशनल यूथ डे जो है ये इसकी थीम क्या थी, ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इंटरनेशनल यूथ डे ये आपका 12 अगस्त को होता है और हमारा राष्ट्रीय युवा दिवस कब होता है, विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर होता है जनवरी मंथ में, किस तारीख को होता है आप कमेंट करके बता सकते हैं।
कृषि यांत्रिकरण योजना ये 2023 में हेतु मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट क्रॉप रेसिड्यू योजना के अंतर्गत यंत्रीकरण को मंजूरी दी गई है। एक ऐसा सेंटर यहाँ पे डेवलप किया जाएगा जहाँ पर किसान 10 लाख रुपए तक के मैकेनिकल उपकरण ले सकते हैं, 40% की छूट दी जाएगी उनको खरीदने पे। इसके तहत क्या होगा, फार्मर मशीनरी बैंक बनाए जाएंगे, मतलब किसानों को जो मशीनरी लगती है, मैकेनिकल प्रोडक्ट्स लगते हैं, मैकेनिकल इक्विपमेंट्स, तो उसको किसान इन फार्मर मशीनरी बैंक से खरीद सकेंगे। ठीक है, 80% तक की छूट देने की बात कही जा रही है इन उपकरणों पर जो किसानों को बेचे जाएंगे। इसके बाद आ जाते हैं एग्रीमेंट्स पर। उत्तर प्रदेश तथा मेक्सिको के न्यू लियोन के मध्य पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर फार्मा एग्रीकल्चर मेडिकल सेक्टर आदि क्षेत्रों में निवेश को लेकर समझौता हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं IESA MOU यहाँ पर साइन किया है गुजरात उत्तर प्रदेश सरकार के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम और स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए। आपको बताया कि देश का सबसे पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ पर लगने वाला है, गुजरात में। ठीक है, और उत्तर प्रदेश भी इस पर काफ़ी इंटरेस्टेड है सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को अपने यहाँ पर डेवलप करने के लिए। तो GSEM गुजरात के साथ उत्तर प्रदेश ने समझौता किया है कि यहाँ पर भी सेमीकंडक्टर विनिर्माण, पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और डिजाइन पहलुओं के संबंध में कौशल और फैबलेस संस्थाओं के निर्माण पर विशेष बल दिया जाए। ठीक है, मतलब यहाँ पर संभावना तलाशी जाए उत्तर प्रदेश में कि यहाँ पर भी क्या सेमीकंडक्टर बनाया जा सकता है। इसके बाद आ जाते हैं सम्मेलन कॉन्फ्रेंसेस पर। लमही महोत्सव, लमही ना गांव जो है ये वाराणसी के पास फेमस है, यहाँ पे 5100 दिए जलाकर लमही महोत्सव मनाया गया। लमही इंपॉर्टेंट है प्रेमचंद जी के लिए, मुंशी प्रेमचंद का नाम सभी ने जरूर सुना होगा, भले ही आप हिंदी साहित्य पढ़ते हैं या फिर नहीं। मुंशी प्रेमचंद की 143वीं जयंती पर लमही में, जो कि उनका जन्म जहाँ पर हुआ था लमही में, वहाँ पर दीपांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यूथ 20 ये हुआ था अभी 17 से 20 अगस्त 2023 के बीच हुआ था उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। इसका उद्घाटन किसने किया था, औपचारिक उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की उपस्थिति में योगी आदित्यनाथ जी ने किया था, क्योंकि आ सकता है उद्घाटन किसने किया था। बाकी यहाँ पे एक सेशन हुआ था एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन थ्रू पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, यानी कि सहभागी शासन के माध्यम से अमृत पीढ़ी को सशक्त बनाना। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो, इसका आयोजन जो है प्रदेश सरकार कर रही है, ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में, ये 21 से 25 सितंबर के माध्यम से हुआ था। और बहुत गर्व के साथ मैं कहना चाह रहा हूँ कि इनमें हमारे वन ऑफ द सिलेक्टेड स्टूडेंट्स ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसके संचालन में। ठीक है, यूपी सीडा में कार्यरत हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट ने महत्वपूर्ण भूमिका इसके संचालन में निभाई। इसके बाद G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक हुई थी, G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक 26 अगस्त 2023 से वाराणसी में हुई थी। ठीक है, तो दो बैठकें G20 की हुई थी, यूथ 20, एक G20 कल्चरल मिनिस्टर्स की बैठक हुई थी वाराणसी में। 3-4 तरीके की बैठक हुई है G20 से संबंधित इस पूरे साल में, सबको हमने कवर किया जब जब हुई है। तो G20 की बैठक अगस्त में, ये G20 कल्चरल मिनिस्टर्स ग्रुप की बैठक हुई थी आपकी अगस्त में वाराणसी में, यूथ 20 की भी हुई थी। एक रैंक्स रिपोर्ट्स में चाइल्ड ट्रैफिकिंग इन इंडिया इनसाइट फ्रॉम सिचुएशन डेटा एनालिसिस एंड नीड फॉर टेक ड्रिवन इंटरवेंशन स्ट्रेटजी, सार फाउंडेशन की रिपोर्ट थी। इनके अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश शीर्ष 3 राज्य जहां 2016 से 2022 के मध्य सर्वाधिक बच्चों की तस्करी हुई है ट्रैफिकिंग। ये वैसे प्रीलिम्स के लिए तो बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है, लेकिन जो राइट्स इशू हैं, ठीक है, जो मेंशन है आपका GS 5-6 में, उसमें आप इसको मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और CM डैशबोर्ड का शुभारंभ किया गया था, श्री लाल बहादुर शास्त्री भवन लखनऊ से मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और CM डैशबोर्ड का शुभारंभ किया गया है। CM डैशबोर्ड की स्थापना का उद्देश्य डेटा कैप्चर करना और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अग्रसर करने के लिए प्रारंभ किए प्रयासों को में गति लाना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के डिजिटल कॉरिडोर का लोकार्पण, तो गाइडेड टूर यहाँ पे शुरू कर दिया गया, डिजिटल कॉरिडोर इसलिए बनाया गया, कोई भी व्यक्ति बिना किसी की सिफारिश के विधानमंडल भवन में जा करके देख सकता है कैसे यहाँ पे, मतलब हमारे उत्तर प्रदेश की विधानसभा कार्य करती है। ठीक है, तो उत्सुकता होती है शोधार्थियों में, छात्रों में, और लेजिस्लेशन के क्षेत्र में रुचि रखने वाले नागरिक विधानसभा में टूर कर सकते हैं बिना किसी की सिफारिश के, वैसे अभी तक अलाउ नहीं था ऐसा। इनॉग्रेशन ऑफ डिजिटल कॉरिडोर ऑफ उत्तर प्रदेश असेंबली, ये आपका इंग्लिश मीडियम में गिवन है, इस बार इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम इस तरीके से हमने रखा है, MCQ यहाँ पे नहीं बनाए हैं। SBI इको रैप रिपोर्ट, सबसे पहले ध्यान रखना है कि इको रैप रिपोर्ट कौन जारी करता है, इको रैप रिपोर्ट जारी की जाती है SBI के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इन्होंने एक लॉन्ग टर्म रिपोर्ट बनाई, इसमें कहा है कि 2028 तक महाराष्ट्र राज्य की इकोनॉमी जो है काफ़ी बढ़ जाएगी और सबसे बड़ा हिस्सा ये योगदान करेगी
देश के डेवलपमेंट में करीब 13%, और उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी 515 बिलियन करीब पहुंच चुकी होगी यूएस डॉलर्स में, और उत्तर प्रदेश 2028 तक देश के जीडीपी में 10% का योगदान कर रहा होगा। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स प्रतियोगिता अवार्ड कॉम्पिटिशन ये हुआ था बेसिकली, तो इसमें क्या है कि 2022 में सूरत और आगरा दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे थे, फर्स्ट पर यहाँ पर इंदौर रहा था, ठीक है, स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉम्पिटिशन में। राज्यों की श्रेणी में अगर हम देखें तो टॉप पर है मध्य प्रदेश और सेकेंड पर था तमिलनाडु और राजस्थान यहाँ पर थर्ड पर रखा गया था, उत्तर प्रदेश का स्थान इसमें फोर्थ पर था। तो स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉम्पिटिशन उत्तर प्रदेश का स्थान कितना था, फोर्थ था, और उत्तर प्रदेश का कौन सा सिटी यहाँ पर तीसरे नंबर पर था, एक्चुअली जो है आगरा यहाँ पर तीसरे नंबर पर था, ठीक, सूरत के बाद। तो ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स हो गई, इंग्लिश मीडियम में भी वही लिखा है, आप नोट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 4 साल में 2 गुना बढ़ी है सब्सिडी, 2017-18 में सब्सिडी पर खर्च 9,284 करोड़ रुपए किया जाता था, 2021-22 में बढ़कर के 20,145 करोड़ रुपए किया जाने लगा है। इस सब्सिडी से उत्तर प्रदेश क्या क्या खर्च करता है, जैसे उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को प्रतिपूरक अनुदान दिया जाता है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में राशि खर्च की जाती है सब्सिडी की, अनुसूचित जाति हेतु विशेष घटक योजना चलाई जाती है स्पेशल कंपोनेंट स्कीम, और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में पैसा खर्च होता है, कृषि उत्पादन में सुधार हेतु किसानों को निजी ट्यूबवेल को बिजली प्रदान करने हेतु ये सब खर्च किया जाता है पैसा उत्तर प्रदेश सब्सिडी का। तो ये आप नोट कर सकते हैं उत्तर प्रदेश के फिस्कल के बारे में, जब भी लिखेंगे मेंस में तो इसको मेंशन कर सकते हैं अगर चाहे तो। उत्तर प्रदेश कल्याण, उत्तर प्रदेश जो है नागरिक कल्याण के लिए क्या कर रहा है, तो इसमें से कुछ बातें आप मेंशन कर सकते हैं, एग्जैक्ट फिगर नहीं तो ये हेडिंग ही मेंशन कर सकते हैं कि सब्सिडी पिछले 4 सालों में डबल हुई है। उत्तर प्रदेश स्किल क्वेस्ट 2023, ये उत्तर प्रदेश यूपी क्वेस्ट का आयोजन होगा 30 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच, ये स्कूल कंपटीशन होगा बकायदा, इंडिया क्विज, क्रिकेट और बॉलीवुड क्विज, जनरल क्विज, एक क्विज कंपटीशन होगा बेसिकली, स्कूली छात्र इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसके बाद राजधानी लखनऊ तथा आसपास के जिलों को मिलाकर SCR जो बनना है स्टेट कैपिटल रीजन, ये जो है इसके बारे में बात कर रहे हैं। काफी दिवस से 2047 तक का विजन डॉक्यूमेंट इसमें बनाया जाएगा, इसमें एयरपोर्ट, शहर के सुंदरीकरण सहित सभी सुविधाओं को सम्मिलित किया जाएगा। SCR का हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, स्टेट कैपिटल रीजन का, लखनऊ राजधानी में। लास्ट मंथ अगस्त वाले जुलाई वाले में हमने बताया था कि SCR में कौन कौन से जिले शामिल होंगे, कितने जिले शामिल होंगे, जल्दी से कमेंट करके बताइए। दीदी कैफे खोले जाएंगे 17 नगर निगमों में, और दीदी कैफे में बेसिकली होगा क्या, मुख्य उद्देश्य शहरी गरीब सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना और उचित मूल्य पर साफ सुथरा भोजन उपलब्ध कराना। उत्तर प्रदेश के 89 पुलिसकर्मियों को स्वतंत्रता दिवस में पदक देने की घोषणा की गई थी, तो इसमें नाम ध्यान रखना नहीं जरूरी है, आप नंबर ध्यान रखिए बस। 1 साल में 1 District 1 Product उत्पादों की बिक्री 2,000 करोड़ रुपए तक यहां पर हुई है। MSME विभाग की रिपोर्ट में बताया कि 2 अंतर्राष्ट्रीय ई कॉमर्स पोर्टलों पर 1 District 1 Product संबंधी उत्पादों में अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई है। 1 District 1 Product क्या सफल हुआ है क्या नहीं, तो इसके बारे में पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सर्वसम्मति से 4 विधेयक पारित किए गए थे। 4 विधेयक कौन कौन से थे, उत्तर प्रदेश दंड विधि अपराधों का शमन और विचारण का उपशमन संशोधन विधेयक 2023, उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक GST अमेंडमेंट एक्ट 2023, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज संशोधन विधेयक 2023 और उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय तृतीय संशोधन विधेयक 2023। तो उत्तर प्रदेश दंड विधि में बेसिकली क्या किया गया, CRPC की धारा 107 और 109 के अंतर्गत दर्ज हुए विवाद जो शमन शुल्क भरकर अथवा स्वतः समाप्त हो जाने वाले हैं उनको खत्म कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज संशोधन विधेयक 2023 लागू होने के बाद देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है और 60 विद्यार्थियों से इसमें शुरुआत होगी। जब ये बनने वाला था तो इसके बारे में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर बनेगा, प्रयागराज में। तो ये 4 बिल्स के बारे में इंग्लिश मीडियम में भी गिवन है, आप इसमें पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरा क्लियर व्यू आ रहा है इसमें। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच 2023, तो एक मैच जो है ये लखनऊ को मिला है। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 इस साल भारत में होना है, 50 ओवर वाला, तो इसमें लखनऊ में मैचेस होंगे, मतलब एक मैच इंडिया वाला मिला है इनको, इंडिया इंग्लैंड का पॉसिबली मैच इसमें होना है लखनऊ में, लेकिन और भी इसमें मैचेस होने, 5 मैच करीब होने लखनऊ में, लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम भी कहा जाता है। इसमें 5 कुल मिलाकर मैच होंगे, एक इंडिया और इंग्लैंड का होगा।
इसके बाद आ जाते हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के शहजादपुर कनैनी गांव को आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। आईएसओ सर्टिफिकेट जो है ये 3 साल के लिए वैध होगा। बेसिकली किसके लिए मिला है, यहाँ की जो ग्राम पंचायत है उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सोशल सर्विसेस को उनके स्टैंडर्ड्स के लिए ISO 9001:2015 सर्टिफिकेट मिला है। अंतर्राष्ट्रीय कॉमनवेल्थ पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप, यह अयोध्या के सरयू तट पर पहली बार होगी अंतर्राष्ट्रीय कॉमनवेल्थ बीच पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन होगा। यूरोप अफ्रीका के 15 देशों के 200 खिलाड़ी यहाँ पे आएंगे। कहाँ पे होना है, मतलब कब होना है, 30 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच, ठीक है, सरयू बीच पर होगा बीच मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप। गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर के बीच एक न्यू नोएडा बसाए जाने की बात कही जा रही है, ठीक है, नया नोएडा दादरी सिकंदराबाद तहसील के 80 गांवों को मिलाकर के नोएडा विकास प्राधिकरण में जोड़ दिया जाएगा और इन्हीं गांवों पर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना का निवेश क्षेत्र विकसित किया जाएगा। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, काफी दिन से चल रहा है काम, इस पर 7 राज्यों से गुजरना है इसको, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इंदौर से होकर के। Y20 सम्मेलन का आयोजन हुआ था, यूथ 20 के बारे में बता दिया हमने, 4 प्रमुख सिफारिशें यहाँ पे की गई थी, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं रहेगा। अब कुशल खिलाड़ी कोष योजना शुरू की गई है, खिलाड़ियों को यहाँ पर अनुदान देने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए। खेल प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने वाले स्टूडेंट्स की पढ़ाई, उनके रहने का खर्चा, आवास का खर्चा, खाने का खर्चा जो है मुफ्त में किया जाएगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी संबंधित खेलों में जो लोग शामिल होंगे, खिलाड़ी विद्यार्थी, उनके लिए वित्तीय सहायता की योजना शुरू की गई है। वन लाइनर्स में अगर हम देखें तो एक अध्ययन के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश शीर्ष 3 राज्य जहां 2016 से 2022 के मध्य सर्वाधिक बच्चों की तस्करी की गई है। उत्तर प्रदेश में पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन काफी कम है, ये 629 यूनिट है और बिहार सबसे आखिर पर है इसमें, बिहार के जस्ट बाद उत्तर प्रदेश है। वाराणसी की छात्रा प्रिया सिंह ने श्रीराम मंदिर की अद्भुत पेंटिंग करके वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड में नाम दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश कारागार विभाग के संयुक्त सचिव ने बताया कि उत्तर प्रदेश ने जेलों में बंदियों और सिद्ध दोष कैदियों को श्रम के बदले मिलने वाला भत्ता बढ़ा दिया गया है, मतलब 40 रुपए, 30 रुपए, 25 रुपए दैनिक भत्ता मिलता था, अभी 81 रुपए, 60 रुपए, 50 रुपए कर दिया गया है। ऑब्वियसली करना चाहिए था, आजकल 25 रुपए डेली में कुछ नहीं होता है। वाराणसी में एक रिवर फ्रंट बनाने की बात कही जा रही है, जैसे कि बड़े बड़े मेट्रो उसमें बनता है, तो ये गढ़वा घाट में बनेगा वाराणसी में, ये कहा जा रहा है, अभी इस पर विचार किया जाना है या विस्तृत योजना बनाया जाना बाकी है। लखनऊ के अमौसी स्थित नादरगंज में एक नया आईटी हब बनेगा, इसकी योजना तैयार की कर ली गई है। उत्तर प्रदेश के धरोहर भवनों को निजी क्षेत्र के सहयोग से विरासत पर्यटन हेतु विकसित करने के लिए राज्य सरकार के 9 धरोहरों को हेरिटेज होटल का रूप देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। तो ये काफ़ी पहले आया था लेकिन अब इसमें चीज़ें तेज हो गई हैं। उत्तर प्रदेश लखनऊ में स्थित 76 मंजिल कोठी गुलिस्तान इरम, कोठी दर्शन विलास और कोठी रोशनउद्दौला, मिर्जापुर का चुनार का किला, झांसी का बरुआ सागर किला, मथुरा का बरसाना जल महल, कानपुर का शुक्ला तालाब और बिठूर की टीकायत राय बरादरी को विरासत पर्यटन के रूप में, हेरिटेज होटल के रूप में डेवलप किया जाएगा। अभी ऐसे अभी मतलब हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो खुद को ही नहीं पता कहाँ पे। शुक्ला तालाब के बारे में कोई कानपुर का बंदा जानता हो तो कमेंट करके बताइए। आगरा में एक वैश्विक स्तरीय एक कन्वेंशन सेंटर बनाने की बात कही जा रही है और जो है अभी सैद्धांतिक मंजूरी इसको मिल गई है, बाकी डिटेल्ड प्लान आएगा तो आपको बताया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपना एक एंथम सॉन्ग सोशल मीडिया पर जारी कर दिया है। चट्टानों की जिद पिघला दी, बाजू को आग बनाया, कांधे पर सितारे नहीं, हमने यूपी का मान सजाया है। तो अब से ही उत्तर प्रदेश पुलिस का एंथम सॉन्ग होगा, चट्टानों की जिद पिघला दी, बाजू को शान बनाया है, कांधे पर सितारे नहीं, हमने यूपी का मान सजाया है, ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश ने सरकारी स्कूलों में चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लाइव दिखाने के लिए पहली बार शाम को विद्यालय खोलने के निर्देश दिए थे, तो काफी एक हिस्टोरिक था, मतलब शाम तक पहली बार उत्तर प्रदेश में स्कूल्स खुले थे, गवर्नमेंट स्कूल्स, चंद्रयान 3 की लैंडिंग दिखाने के लिए। खेल दिवस के अवसर पर मेजर ध्यानचंद म्यूजियम का लोकार्पण किया गया है। ध्यानचंद म्यूजियम जो है ये झांसी में बनकर के तैयार हुआ है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस होता है ध्यानचंद कुशवाहा जी के बर्थडे पर, ये झांसी में जो है ध्यानचंद म्यूजियम बनाया गया है। उत्तर प्रदेश की जो नई सौर ऊर्जा नीति आई है उसमें कहा गया है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को सोलर एनर्जी पावर्ड एक्सप्रेसवे के रूप में डेवलप किया जाना है। तो सोलर पैनल से यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, जितने भी बिजली यूज होगी हाईवे पे उसको सोलर पैनल से चलाने की बात कही जा रही है। शहीद पथ के पास भारतीय नौसेना का शौर्य संग्रहालय स्थापित किया जाएगा, ये कहा जा रहा है। लखनऊ में शहीद पथ के पास नौसेना का शौर्य संग्रहालय स्थापित किया जाएगा।
सभी जिलों में साइबर क्राइम थानों की स्थापना के निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा। इसके बाद गोरखपुर का जो पनियाला फल है इसको जीआई टैग अभी प्रदान किया गया है, पनियाला फ्रूट जीआई टैग गोरखपुर का। झांसी संबल और हापुड़ में प्लेज पार्क योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र की ओर से औद्योगिक पार्कों की स्थापना की जाएगी। इंडस्ट्रियल पार्क विल बी एस्टैब्लिश्ड बाय प्राइवेट सेक्टर अंडर द प्लेज पार्क स्कीम। किसानों के लिए उत्तर प्रदेश में जल्द ही डिजिटल क्रॉप सर्वे होगा। डिजिटल क्रॉप सर्वे से फसलों के जो आंकड़े प्राप्त होंगे उससे किसानों की योजनाएं किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाने में हेल्प मिलेगी। पशु में होने वाले लंपी स्किन डिसीज पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पशुपालन विभाग को स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो लंपी स्किन डिसीज का इफेक्ट बहुत हद तक कंट्रोल किया था उत्तर प्रदेश ने, इसके लिए इन्हें स्कोच अवार्ड मिला है। उत्तर प्रदेश जनता को पुष्ट आहार से लाभान्वित करने के लिए मिलेट्स यानी श्री अन्न के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक निर्णय लिया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा वित्त पोषित उत्तर प्रदेश मिलेट पुनरुद्धार कार्यक्रम के माध्यम से श्री अन्न के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए विस्तृत योजना तैयार की जाएगी। उत्तर प्रदेश समर्थन मूल्य पर सीधे किसानों को मोटे अनाज यानी कि मक्का बाजरा ज्वार की खरीद करने के लिए योजना यहां पे लागू कर दी गई है। मक्के का न्यूनतम समर्थन मूल्य इतना रहेगा, बाजरे का इतना, जिससे लोग मोटा अनाज उगाने के लिए भी प्रेरित हों। उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग का मुख्यालय लोक निर्माण का मुख्यालय पहला दफ्तर होगा जिसे ई ऑफिस के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। आयुध निर्माणी कानपुर ने 20 वर्ष पुरानी सारंग तोप और अधिक घातक अवतार मतलब एक अधिक घातक इसका वर्जन उतारा है। 9 राउंड प्रति मिनट तक फायर करने में ये सक्षम होगी सारंग पोत। सारंग ये आपकी तोप, नॉट पोत, पोत मतलब जहाज, तोप मतलब आपकी कैनन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 25,000 करोड़ रुपए की लागत से 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों की आधारशिला रखी वर्चुअल माध्यम से। इसमें उत्तर प्रदेश के कितने स्टेशन शामिल किए गए हैं? 55 शामिल किए गए हैं। आगे हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्या सुमंगला योजना की धनराशि 15,000 रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 25,000 रुपए यहाँ पर कर दी है। सेफ सिटी योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े प्रतिष्ठानों पर, चौक चौराहों पर, निजी अस्पतालों में, शिक्षण संस्थानों में, राज्य के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने हैं जल्द। उत्तर प्रदेश सरकार में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित होगा, हो चुका है बेसिकली ये। उत्तर प्रदेश के हर मेडिकल कॉलेज में जल्द ही कैंसर यूनिट स्थापित होने जा रहा है। कैंसर यूनिट जनरली नहीं होता था लेकिन अब जल्द ही उत्तर प्रदेश के सभी अस्पतालों में, सभी मेडिकल कॉलेजेस में बेसिकली कैंसर यूनिट भी स्थापित किया जाएगा। कन्नौज पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट बन गया उत्तर प्रदेश का जिसने ई ऑफिस को इम्प्लीमेंट किया है। उत्तर प्रदेश में चालू आकलन वर्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2015 के मुकाबले पहली बार आयकर मतलब 52 लाख लोगों ने पहली बार आयकर रिटर्न फाइल किया है। तो इस तरीके से करदाताओं के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है करदाताओं की संख्या के मामले में, जबकि महाराष्ट्र पहले स्थान पर है जो लोग मतलब जितने लोग इनकम आईटीआर फाइल करते हैं। सारनाथ में वाराणसी के पास एक वैदिक सिटी बसाई जाएगी, वैदिक सिटी। उत्तर प्रदेश के गांवों को स्मार्ट विलेज बनाने की अवधारणा को मजबूत करने के लिए विश्वकर्मा संकुल का निर्माण किया जाएगा, ठीक है, विश्वकर्मा संकुल का निर्माण किया जाना है। मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के अनुसार अयोध्या शहर को मॉडल सिटी के रूप में डेवलप करने के लिए जो है जो भूमि लगनी है उस पर स्वीकृति प्रदान कर दी है। तो हमारे एग्जाम में क्या आएगा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को या किस शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा, तो वो है अयोध्या। उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व 135 की बाघ आबादी के साथ भारत के बाघ अभयारण्यों में चौथे स्थान पर है बाघ आबादी के मामले में। उत्तर प्रदेश में टोटल संख्या बाघों की कितनी है? 205 है, 205। उत्तर प्रदेश में जल्द ही हाथों का प्रत्यारोपण भी हो सकेगा, कैडवर हैंड ट्रांसप्लांट जिसको बोलते हैं, तो ये ऐसा हो सकेगा उत्तर प्रदेश में भी पॉसिबल। खेरिया हवाई अड्डे पर धनौली की ओर एक सिविल इनक्लेव बनाया जाएगा, ये यहाँ पे जानकारी दी गई। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी का गठन किया जाएगा जिसके द्वारा सभी विद्यालयों में क्वालिटी स्टैंडर्ड स्थापित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार गोरखपुर गौरव नाम से संग्रहालय बनाने की योजना बना रही है, यहाँ पर बेसिकली पेंटिंग्स रखी जाएंगे। प्रधान मुख्य वन संरक्षक के रूप में तैनात किसको किया गया उत्तर प्रदेश में? आईएफएस ऑफिसर सुधीर कुमार शर्मा को। योगी आदित्यनाथ जी ने बेंगलुरु दिल्ली अयोध्या व प्रयागराज में नए अतिथिगृह स्थापित करने के निर्देश दिए, मतलब बेंगलुरु के तर्ज पर। एक्चुअली सही दिया हुआ है, योगी आदित्यनाथ जी ने डायरेक्टिव दिया है कि बेंगलुरु में जमीन देख करके दिल्ली में अयोध्या में और प्रयागराज में नए गेस्ट हाउसेस बनाए जाएं, ठीक है, स्टेट गेस्ट हाउस जिसको बोलते हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग राज्यों के स्टेट गेस्ट हाउस होते हैं
जैसे दिल्ली में यूपी भवन है, यूपी सदन है दिल्ली में, ठीक है, इंद्रप्रस्थ नामक एक गेस्ट हाउस द्वारका में है, लेकिन नए गेस्ट हाउस यहाँ पे बनाए जाने की बात कही गई है, बेंगलुरु में, दिल्ली में, अयोध्या और प्रयागराज में। विश्वकर्मा संकुल जो है सभी गाँव में बनेंगे स्टेट में, जहाँ पर सभी विलेज का अपना एक छोटा सा मॉल होगा, जहाँ पर विलेज के लोग अपना सामान प्रदर्शनी के तौर पर लगा सकेंगे एक ही छत पर के नीचे, और अपने प्रोडक्ट्स जो है शोकेस करके बेच भी सकेंगे। सॉफ्टवेयर दिग्गज कंपनी इंफोसिस ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय में राज्य की पहली मेकर स्लैब स्थापित करने के लिए यहां पर घोषणा की है। आगरा मेट्रो का काम निर्धारित समय से पहले पूरा करने के लिए प्रायोरिटी कॉरिडोर के भूमिगत भाग के रैंप क्षेत्र में तीसरी टनल बोरिंग मशीन टीबीएम शिवाजी को लॉन्च किया गया। विश्व में सबसे तेज अंडरग्राउंड निर्माण करने वाली परियोजना आगरा मेट्रो इस तरीके से बन जाएगी। रिकॉर्ड समय में अपना मेट्रो प्रोजेक्ट पूरा करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में बनने वाले चमड़े के जूतों को जीआई टैग यहां पे दे दिया गया है, और बड़े पैमाने पर चमड़े के जूते का निर्माण होता है। आगरा में जूते बनाने की कला मुगल काल से शुरू हुई मानी जाती है, तो आगरा के जूतों को जीआई टैग मिल चुका है। आईआईटी कानपुर के रिसर्चर सारथी नामक एक चैटबॉट बना रहे हैं, जिससे किसी भी राज्य और शहर में बैठा कक्षा 9 से 12वीं का छात्र अपने सवाल जो है वो पूछ सकता है चैटबॉट से। इसके बाद उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को सोलर एक्सप्रेसवे बनाने की योजना बनाई जा रही है, हमने बताई दिया आपको। उत्तर प्रदेश में पहली बार परिवहन निगम वाराणसी से बाहर 250 किलोमीटर की परिधि में ई बसों का संचालन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से अयोध्या के गुप्तार घाट पर एक ओपन एयर थिएटर का निर्माण कराए जाने की बात कही गई है। उत्तर प्रदेश में ग्राउंड वाटर चार्जिंग स्टेशनों के निर्माण से भूजल संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये चार्जिंग स्टेशन 13 जिलों में लगाए गए हैं, ग्राउंड वाटर चार्जिंग स्टेशन। आगरा के सिंगना में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की एक क्षेत्रीय शाखा जो है खोली जाने वाली है। इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट पेरू की शाखा यहाँ पे खुलेगी, जिसको रीजनल ब्रांच बोलते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में इंदौर ने पहला स्थान पाया, आगरा ने दूसरा। लखनऊ में उत्तर भारत का सबसे बड़ा वेलनेस एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स रिजॉर्ट का बनना नवंबर 2023 में शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर बायलिंगुअल हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे सितंबर मंथ 2023 का। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन गिवन नंबर्स पर आप कॉल करके व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं। पहला सेक्शन है यहाँ पर एग्रीमेंट का आवश्यकता है, पर्यटन निदेशालय उत्तर प्रदेश शासन और लुजन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच समझौता हुआ है। एक निजी फर्म है लुजन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये यहाँ पर काम करेंगे उत्तर प्रदेश के साथ। प्रयागराज में जो महाकुंभ होने वाला है वर्ष 2025 में, उसके लिए समझौता किया गया है कि वहां पर 5000 विशेष आवास की व्यवस्था लुजन वेंचर्स उत्तर प्रदेश सरकार के लिए करेंगे। तो अगला कुंभ कब होना है ये सिंपली पूछ सकते हैं 2025 में। अपॉइंटमेंट्स में इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट राहुल चौधरी का है, ये इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर है, इनको ब्रांड एम्बेसडर उत्तर प्रदेश ने बनाया है। प्रमोशन ऑफ कैटल ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट इन उत्तर प्रदेश, यानी कि गौवन संवर्धन और डेयरी विकास को आगे बढ़ाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर ये बने उत्तर प्रदेश के। पुरस्कार सम्मान में स्मार्ट सिटी की लिस्ट आई थी आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की तरफ से, स्मार्ट सिटी अवार्ड्स हैं बेसिकली ये। तो सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को तीसरा स्थान मिला है, ये पूछ सकते हैं कौन सा स्थान मिला है तीसरा, और फर्स्ट पर कौन है ये सब हम आपको मंथली करंट अफेयर सितंबर वाले में बता चुके हैं। इसमें केवल यूपी स्पेसिफिक की बात करेंगे, अदरवाइज वीडियो कामखा लंबा हो जाता है और चीज़ें रिपीट होने लगती हैं। सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट शहर आगरा को तीसरा स्थान इसमें मिला है, पहला स्थान किसको मिला है इंदौर को मिला है। इसके बाद नॉर्थ जोन का बेस्ट स्मार्ट सिटी अवार्ड ये मिला है वाराणसी को, नॉर्थ जोन का बेस्ट स्मार्ट सिटी वाराणसी है। सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी के मामले में उत्तर प्रदेश को देश के शीर्ष 3 राज्यों में चुना गया है, 3rd पर उत्तर प्रदेश, ये आप याद रख सकते हैं। देश भर के 75 चयनित शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार सम्मानित किया गया था, उत्तर प्रदेश के 3 शिक्षक शामिल हैं। सुधांशु शेखर पांडा ये हैं मेरठ से, चंद्र प्रकाश अग्रवाल बुलंदशहर के शिक्षक, और आशिया फारूकी शिक्षिका हैं फतेहपुर से। तो 3 शिक्षक चुने गए हैं, इसमें ये पूछ सकते हैं कि कितने शिक्षक चुने गए हैं, मान लीजिए नाम नहीं पूछेंगे तो इसका आंसर बताना चाहिए 3। निराला स्मृति सम्मान कवि अरुण कमल को मिला है। इसके बाद साहित्यिक योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए गए थे, अलग अलग सम्मान है, जैसे विद्यावती स्मृति सम्मान पूर्णिमा को लखनऊ से, साहित्य निधि सम्मान उपाधि ये रामेंद्र पांडे को, अंबिका प्रसाद गुप्त सम्मान ये अरुण त्रिवेदी को, साहित्य निधि सम्मान डॉक्टर राजेंद्र को, कृष्ण सहाय निगम स्मृति पुरस्कार डॉक्टर अशोक को, राम प्रसाद द्विवेदी स्मृति सम्मान भानुदत्त त्रिपाठी मधुरेश को, पंडित राम गुलाम शुक्ल स्मृति साहित्य भविष्यत मंगल कामना अलंकरण सम्मान युवा कवि आदर्श सिंह निखिल को। इसके बाद आ जाते हैं डिफेंस सेक्शन पे। भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर प्रबल, इसको जो स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री कानपुर में है जो है उसने बनाया है इसको।
ठीक है, उसने बना करके तैयार किया है। 50 मीटर इसकी रेंज है। इसका अनावरण किया गया था 18 अगस्त 2023 को कानपुर में। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग स्कीम्स कैंपेन सेक्शन पे। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से सेकंड, मतलब ये सेकंड फेज इसका, ये 2.0 से रुकिया गया है। इसमें बदलाव किए गए हैं। पहले केवल पहले बच्चे के जन्म पर 5,000 रुपये तक का मातृत्व लाभ दिया जाता था, लेकिन अब इसको सेकंड बच्चे तक भी एक्सटेंड कर दिया गया है कि दूसरे बच्चे के जन्म पर भी 5,000 रुपये तक का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत कानपुर जनपद में सितंबर में इसके नए पोर्टल की लॉन्चिंग की गई थी, तो इस वजह से उत्तर प्रदेश इससे कनेक्टेड है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में जान लीजिए कि 1/1/2017 से इसको लागू किया जा रहा है और ICDS के अंतर्गत आता है ये, ठीक है। ICDS 1975 के ही अम्ब्रेला के अंतर्गत ये आता है मातृ वंदना योजना, ये ध्यान रखना है आपको। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना उत्तर प्रदेश में चलती है। इसके तहत टैबलेट और स्मार्टफोन स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को, टेक्निकल स्टूडेंट्स को, डिप्लोमा स्किल डेवलपमेंट ट्रेनीज जो हैं, जो स्किल सीख रहे हैं कोई उनको भी, और जो पैरामेडिकल नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं इनको स्मार्टफोन टैबलेट्स दिए जाते हैं स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत। ये ध्यान रखना है आप लोग, इसको अभ्युदय से कन्फ्यूज नहीं करिएगा। अभ्युदय योजना के अंतर्गत सिर्फ कोचिंग दी जाती है उत्तर प्रदेश में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की वो अलग है। इसके बाद नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था लास्ट मंथ भी। सितंबर 2023 में ऑफिशियली इसको लॉन्च कर दिया गया है। नंद बाबा मिशन के अंतर्गत ही इसको लॉन्च किया गया है, ध्यान रखिएगा। स्कीम्स काफ़ी जरूरी होती हैं किसी भी स्टेट पीसिस को आप तैयार करें, तो नंदिनी कृषक समृद्धि योजना नंद बाबा मिशन के अंतर्गत शुरू की गई है। इसका उद्देश्य है दुधारू गायों की 35 इकाइयां स्थापित करने के लिए सब्सिडी यहां पे दी जाएगी और गायों के संरक्षण, खरीद, भरण पोषण जैसे मदों में सरकार सहायता प्रदान करेगी आपको। अगर आप कोई काउ यूनिट लगाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में तो उसमें आपको मॉनिटरी बेनिफिट मिलेगा या मॉनिटरी सपोर्ट या ग्रांट मिलेगा। मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना भी इससे संबंधित है। स्वदेशी गौ यानी कि जो भारत की जो ब्रीड हैं, जैसे कि जमुना तीरी है, जैसे कि थारपरकर है, इनको इनको अगर आप पालना चाहते हैं या फिर जो है इन गायों को खरीदना चाहते हैं जो काफ़ी महंगी आती हैं, तो 80,000 रुपये तक की सब्सिडी यहाँ पर आपको मिल सकती है उत्तर प्रदेश में। 18 जिलों में इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है पहले फेज में। उत्तर प्रदेश में अगर इंडिजिनस नस्लों की बात कर ले तो भदावरी आपको जरूर याद रखना चाहिए। भदावरी आपको आगरा और इटावा डिस्ट्रिक्ट में भैंस देखने को मिलती है और ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में भी देखने को मिलती है। मीडियम साइज की बफेलो होती है। उत्तर प्रदेश की वाटर बेस्ड टूरिज्म और एडवेंचर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2023 आ गई है और 10 सालों के लिए लागू रहेगी। ये प्रीलिम्स के लिए जरूरी हो सकता है भाई, कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। और हमारे मेंस एग्जाम में जब भी आप जो है कल्चरल के बारे में लिखेंगे तो इसमें, और टूरिज्म के बारे में, तो इसमें लिख सकते हैं कि वाटर बेस्ड टूरिज्म के लिए पॉलिसी भी लॉन्च कर दी है। वाटर बेस्ड टूरिज्म में किन किन जिलों पर फोकस किया जाएगा उस पर आप मेंशन कर सकते हैं मेंस में, और कौन कौन से जैसे जो मतलब कह सकते स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पर वाटर टूरिज्म प्रमोट किया जाएगा, वाटरवेज में, डैम्स में, रिजर्वॉयर्स में, लेक्स में, रिवर्स में, पॉन्ड्स में जो है वाटर बॉडीज जो है उत्तर प्रदेश की, इसमें ये एडवेंचर स्पोर्ट्स पॉलिसी लागू होगी। आ जाएंगे हम लोग ऑपरेशन कन्विक्शन इनिशिएटिव जो है, ये लॉ एंड ऑर्डर में आप मेंशन कर सकते हैं, मेंस एग्जाम के लिए जरूरी हो सकता है। इसमें यह है कि जो गंभीर अपराधी होते हैं, गंभीर धाराएं जिन अपराधियों पर लगती हैं उनमें कन्विक्शन के लिए यूपी पुलिस एक्टिवली काम करेगी। कन्विक्शन जो है ये टर्म आपने न्याय व्यवस्था से जुड़ा देखा होगा, कन्विक्शन मतलब दोष सिद्धि होता है, जब कोर्ट में दोषी सिद्ध किया जाता है पुलिस द्वारा किसी भी व्यक्ति को, उसको कन्विक्शन बोलते हैं और सजा जब सुनाई जाती है, अपराध सिद्धि कुल मिलाकर आप कह सकते हैं। अपराध सिद्ध होने में बहुत सारा समय ले लिया जाता है, कई बार चार्जेस फ्रेम होने में, कन्विक्शन होने में 5 से 7 साल से लेकर 9 साल तक लग जाते हैं कई बार, तो इस समय को कम करने का उद्देश्य उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस टाइमली रिट्रेसल करेगी और अगर अपराधी जो है अपराधी है, मतलब अगर जो है अभियुक्त दोषी साबित होता है तो उसको जल्द से जल्द दोषी साबित किया जाएगा और ट्रायल जो है विद इन 30 डेज जो है FIR के स्टार्ट कर दिया जाएगा। वृक्षारोपण जन अभियान, मुजफ्फरपुर के सुखतीर्थ में पीपल के पौधारोपण करके योगी आदित्यनाथ जी ने और बिजनौर के महात्मा विदुर तपोस्थलीय विदुर कुटी में गंगा नदी किनारे वृक्षारोपण करके इस अभियान को शुरू किया। मुजफ्फरपुर बिजनौर से इसको शुरू किया गया, ये पूछ सकते हैं, ठीक है। कहाँ से शुरू किया गया उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण जन अभियान 2023 वाला? मुजफ्फरपुर और बिजनौर से। एग्जाम में प्रीलिम्स के लिए इतना ही जरूरी है इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया है, ठीक। अब ये इस साल कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था? लक्ष्य रखा गया था 30 करोड़ पौधे लगाने का इस साल, ये पूछ सकते हैं, बस इतना ही आवश्यक है। वन टैप वन ट्री इनिशिएटिव, ये अभी हाल के एग्जाम में पूछा गया था, शायद 1262 जूनियर असिस्टेंट वाले में पूछा गया था। वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत की गई थी 1 जुलाई से। इस अभियान का उद्देश्य नल के जल के कनेक्शन के साथ एक पौधा भी लोगों को दिया जाए, ठीक है। 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक ये पहल चली थी। 5 लाख पौधे वन टैप वन ट्री इनिशिएटिव लगाने, मतलब इस इनिशिएटिव के तहत लगाने का पौधे लक्ष्य रखा गया था 5 लाख। नमामि गंगे कार्यक्रम और ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग द्वारा संयुक्त रूप से इसको चलाया गया था।
ओबराडी तापी परियोजना इंपॉर्टेंट है, 11 जुलाई को अप्रूव कर दिया। 800 मेगावाट की दो ओबराडी थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे। ये राज्य का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट होगा। ओबराडी मतलब उत्तर प्रदेश का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट होगा। ये 50-50 पार्टनरशिप के तहत लगेगा, एनटीपीसी जो है इसको लगा रही है, ठीक है। एनटीपीसी इंपॉर्टेंट समिट्स इवेंट्स देख लेते हैं। यूथ 20 समिट ये वाराणसी में वो था, 17 अगस्त को ये शुरू हुआ था। 4 दिवसीय Y20 सम्मेलन, इसका उद्घाटन किसने किया था? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की उपस्थिति में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने, ठीक। सुर वसुधा हस्तकला संकुल बड़ा लालपुर जो वाराणसी में है, दीनदयाल हस्तकला संकुल, यहाँ पे सुर वसुधा जो कि एक स्ट्रीट प्ले यानी कि नुक्कड़ नाटक होता है, उसका आयोजन किया गया था। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर जो कि G20 की इंडिया की अध्यक्षता में जो थीम रही थी ओवरऑल, वसुधैव कुटुंबकम यानी कि वन फैमिली वन अर्थ वन फ्यूचर, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए नुक्कड़ नाटक किया गया था। इसमें आर्टिस्ट G20 कंट्रीज से आए थे और 8 अदर कंट्रीज से भी आए थे, बांग्लादेश से, मॉरिशस से, नीदरलैंड से, ओमान से, सिंगापुर से, स्पेन से, नाइजीरिया से, UAE से। इसके बाद हम आ जाते हैं स्पोर्ट्स करंट अफेयर में, तो मोटो जीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 सितंबर से 24 सितंबर तक आयोजित की गई मोटो जीपी बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में ग्रेटर नोएडा में पहली बार भारतीय सरजमी पर मोटर बाइक रेस मोटो जीपी आयोजित की गई। इसमें 41 टीमों ने 82 राइडर्स ने हिस्सा लिया था या भाग लिया था। मोटो जीपी रेस मूनी VR46 टीम के मार्को बेजेक्शी ने जीती थी। मार्को बेजेक्शी को कप देते हुए फोटोज आपने देखी होंगी हमारे चीफ मिनिस्टर जी की। और जे मार्टिन ने दूसरा स्थान, आर क्वाट्रो ने तीसरा स्थान प्राप्त किया था। विजेता बेजेक्शी को भारत के मानचित्र वाली ट्रॉफी प्रदान की थी, जो इंडिया जीपी की ट्रॉफी बनाई गई थी। रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स में तो पर्यटन रिपोर्ट जो है इसमें आया था, पर्यटन के मामले में पर्यटकों की संख्या के मामले में शीर्ष दो राज्य हैं, फर्स्ट पर उत्तर प्रदेश, सेकंड पर तमिलनाडु। पर्यटन के मामले में शीर्ष दो जिले उत्तर प्रदेश के कौन से हैं? आगरा और मथुरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं चाइल्ड ट्रैफिकिंग इन इंडिया इनसाइड फ्रॉम सिचुएशनल एंड डेटा एनालिसिस एंड नीड फॉर टेक ड्रिवन इंटरवेंशन स्ट्रेटजी। अगेम 24/7 कैलाश सत्यार्थी की जो फाउंडेशन है उसने रिपोर्ट निकाली थी। अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ष बच्चों की तस्करी की संख्या सर्वाधिक है। प्री कोविड चरण में तस्करी के औसतन 267 मामले थे, कोविड के बाद इसमें वृद्धि हुई है बच्चों की तस्करी के मामले में। तो ये उत्तर प्रदेश की समस्याओं में आप मेंशन कर सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की जब भी समस्याओं के बारे में है तो ये रिपोर्ट आप लिख सकते हैं, इसका डेटा आप मेंशन कर सकते हैं। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए यहां पर बहुत जरूरी बात नहीं रहेगी। 26 सितंबर 2023 को विज्ञान भवन में 2 दिवसीय आरोग्य मंथन कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आयुष्मान योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार को 2 पुरस्कार दिए थे। 2 पुरस्कार कौन से? पहला आयुष्मान पुरस्कार पूछताछ केंद्र स्थापित करने के लिए और ग्रीन चैनल भुगतान प्रणाली शुरू करने के लिए। दूसरा सर्वाधिक संख्या में आभा स्कैन और टोकन जनरेट करने के लिए। तो कुल मिलाकर आयुष्मान भारत के इंप्लीमेंटेशन के लिए 2 अवार्ड मिले हैं, उत्तर प्रदेश को ध्यान रखिएगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश को ये पुरस्कार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए दिया गया है। सही है, आंसर सही हो जाएगा इसमें डी यहाँ पे सही है। 31 जुलाई 2023 को मुंशी प्रेमचंद की किस जयंती के अवसर पर वाराणसी में लमही महोत्सव जो कि उनका जन्म स्थान भी है इसका आयोजन हुआ था? तो 143वां यहाँ पे आयोजन हुआ था, डी यहाँ पे सही, 143वीं जयंती पर। प्रेमचंद का जो पैतृक गांव है वाराणसी का लमही है, ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद भारत ड्रोन शक्ति के संबंध में क्या सही? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में वायुसेना स्टेशन हिंडन में रक्षा मंत्री जी ने पहली ड्रोन प्रदर्शन शक्ति सह प्रदर्शन भारत ड्रोन शक्ति का आयोजन किया था। ड्रोन शक्ति का आयोजन वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपका सही है, आंसर सही हो जाएगा इसमें डी, एक्चुअली सी सही होगा, बोथ 1 और 2 करेक्ट, यहाँ पे सही हो जाएगा सी। जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और CM डैशबोर्ड का शुभारंभ कहाँ पे किया? तो राजधानी में शुभारंभ किया था, लाल बहादुर शास्त्री भवन में, ए यहाँ पे सही है, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार का कौन सा हवाई अड्डा सौर ऊर्जा संचालित होने वाले प्रदेश का पहला हवाई अड्डा बन जाएगा? फर्स्ट उत्तर प्रदेश एयरपोर्ट टू रन ऑन सोलर एनर्जी, इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रयागराज यहाँ पे सही है सी। 12 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में औद्योगिक विकास विभाग के नोएडा औद्योगिक विकास विभाग ने नोएडा की तर्ज पर बुंदेलखंड में नया औद्योगिक नगर बसाने के लिए प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है। तो जैसे नोएडा है वैसे ही बुंदेलखंड में भी औद्योगिक नगर बसेगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट है सितंबर 2023 में नेपाल दौरे पर लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय गए थे और वहाँ के 4 शिक्षण संस्थानों के साथ MOU साइन हुआ है, सही। एक एडिशनल जानकारी यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि
इंडिया नेपाल लैब जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी में स्टैब्लिश की जाएगी। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि किस उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी में इंडिया नेपाल लैब स्थापित की जाएगी लखनऊ यूनिवर्सिटी में। आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा सी, बोथ वन एंड टू करेक्ट सी। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय की स्थापना के लिए कितने जिलों को चयनित किया गया था? तो 57 जिलों को चयनित किया गया है। 57 जिले ऐसे हैं जहां पर अटल रेजिडेंशियल स्कूल स्टैब्लिश नहीं किए गए हैं, तो उनके स्थान पर क्या स्टैब्लिश होगा? चीफ मिनिस्टर मॉडल कंपोजिट स्कूल्स। आंसर यहां पे हो जाएगा सी। उत्तर प्रदेश में कहां पर वरुणा तट को साबरमती रिवर फ्रंट की तरह सजाया जाएगा? तो ऑब्वियसली वरुणा नदी यहां पे बहती है वाराणसी में। ऑप्शन नंबर सी यहां पे सही है, वाराणसी सी। काशी सांसद टूरिस्ट गाइड प्रतियोगिता के बारे में कौन सा कथन गलत है? आयोजन इसका होगा फरवरी 2024 में 3 फेजेस में। इसकी घोषणा आदित्यनाथ जी ने नहीं की थी, इसकी मतलब घोषणा की थी प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ये यहाँ पे सही होगा। इसका उल्लेख काशी के घाट अध्यात्म संस्कृति हस्तकला खानपान प्राचीनता इतिहास को समझने के लिए अवसर प्रदान करना है। ये सही है। हमारा आंसर हो जाएगा गलत। कौन सा गलत? केवल सेकंड स्टेटमेंट है, बी। बी यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश का कौन सा स्वास्थ्य संस्थान हार्ट ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू करेगा? तो हार्ट ट्रांसप्लांट उत्तर प्रदेश में पहली बार होगा संजय गांधी PGI हॉस्पिटल में। ऑप्शन नंबर ए, ए यहाँ पे सही है। हृदय प्रत्यारोपण यहाँ पर हो सकेगा। निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा आगरा से जयपुर के लिए छोटे विमान की सेवा की शुरुआत की गई है? 29 अक्टूबर से शुरू होगी है। इसका आंसर है इंडिगो एयरलाइंस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितंबर 2023 में खबर के अनुसार आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा पर रजिस्ट्रेशन करने में देश का कौन सा राज्य सबसे आगे? ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यहाँ पे सही है, सी। ग्रेटर नोएडा में जेवर में बनने वाला नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने 3 अक्षर का कौन सा कोड दिया है? उत्तर प्रदेश में ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो ये मतलब कोड दिया है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने DXN दिया है। ये पिन कोड की तरीके इनका होता है नंबरिंग सिस्टम, तो DXN नामक कोड दिया है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। सितंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के अंतर्गत 100% ODF प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सारे गांव अब ODF प्लस हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी। अब ODF प्लस, ODF नहीं पता है तो क्या है ये समझ लीजिए। ODF किसे कहते हैं? ODF एक एरिया नोटिफाई किया जाएगा, डिक्लेयर किया जाएगा, अगर वहां पर किसी भी दिन के समय एक भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं करता है तो उसे ODF कहेंगे। ODF प्लस स्टेटस किसी एरिया को तब दी जाएगी जब दिन के किसी भी समय पर कोई पर्सन जो है ओपनली डिफिकेट करते नहीं दिखता है, ना ही यूरिनेट करते दिखता है ओपन में, और सारे कम्युनिटी और पब्लिक टॉयलेट जो है फंक्शनल हैं और जिनको वेल मेंटेन्ड किया गया हो। ODF प्लस प्लस एक स्टेटस है, इसमें ये कहा जाता है कि जहां पर ODF प्लस मेंटेन है यानी कि टॉयलेट्स वगैरह फंक्शनल है और फीकल स्लेज या फिर सेप्टेज जो है इसको सेफली मैनेज किया जाता है और कहीं पर भी जो है खुली नालियां आपको नहीं दिखती हैं, ठीक है। तो ये यहां पे आपका ODF प्लस, ODF प्लस प्लस और ODF में डिफरेंस होता है, इसको ध्यान रखिएगा। राज्य के सभी 95,757 ग्राम जो है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के अंतर्गत 100% ODF प्लस का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का जो सेकंड फेज है ये चलेगा आपका 2020-21 से लेकर 2024-25 तक चलेगा, ये ध्यान रख सकते हैं आप, ठीक है। और ऑफिशियली सेकंड फेज को कब शुरू किया गया था? इसको शुरू किया गया था फरवरी 2020 में। सितंबर 2023 में राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को किस आधार पर छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप प्रदान करने की घोषणा की है? तो उन्होंने कहा मेरिट आधार पर करेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। स्टूडेंट विल नीड एटलीस्ट 60% मार्क्स इन प्रीवियस क्लासेस टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। निम्नलिखित में से किस राज्य की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के यूनिट्स अब उत्तर प्रदेश में लगने जा रहे हैं? 50 से अधिक हरियाणा की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के यूनिट स्थापित होंगे उत्तर प्रदेश में। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, हरियाणा। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय संस्थान द्वारा एक नवाचार तकनीक स्टीम आधारित विकसित की गई, स्टीम कंप्रेशन की, जिससे चीनी मिलों में ऊर्जा संरक्षण की देसी तकनीक विकसित की गई है? तो नेशनल सुगर इंस्टीट्यूट जो है NSI कानपुर, यहां पर एक ऐसी तकनीक विकसित की गई जिसमें कम ऊर्जा में ज्यादा गन्ना पेरा जा सकता है। तो ये यहां पे सही है, ऑप्शन नंबर ए। सितंबर 2023 में किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने देश के प्रमुख शहरों को कचरा मुक्त बनाने की कार्य योजना की घोषणा की है? तो इसको लॉन्च किया था IIT कानपुर ने। ऑप्शन नंबर सी, IIT कानपुर। सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में 170 करोड़ वर्ष पुराना ग्लोकोनेटिक सैंडस्टोन मिला है? ये मिला है आपका सोनभद्र में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, सोनभद्र।
गंजारी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के बारे में क्या सही है? 23 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री जी ने फाउंडेशन स्टोन इसका ले किया, यानी कि इसका शिलान्यास किया, अब इसका निर्माण शुरू हो गया है। मॉडर्न इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो है ये 30 एकड़ में फैला होगा और 450 करोड़ रुपए की लागत इसमें आएगी। राजा तालाब वाराणसी में गंजारी नामक जगह पर ये बन रहा है। इसके बाद बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया BCCI इसमें 330 करोड़ रुपए इसमें लगा रहा है अपने, तो यहाँ पे सही हो जाएगा। सारे कथन यहाँ पे सही हो रहे हैं, डी यहाँ पे सही है। अभी तक उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के नाम पर दो ही स्टेडियम है, एक कानपुर में है, एक इकाना स्टेडियम लखनऊ में है। यहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, वाराणसी में स्टेडियम ओपन होने के बाद हमको यहाँ पर भी इंटरनेशनल मैचेस होते हुए देखने को मिल सकते हैं क्रिकेट के। 30,000 लोगों के बैठने की सुविधा यहाँ पे होगी। इसका डिजाइन जो है भगवान शिव को समर्पित है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने सभी गवर्नमेंट वर्क्स को अब ई ऑफिस के थ्रू कंडक्ट करने के लिए कहा है। ई ऑफिस का इम्प्लीमेंटेशन सभी डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा। इसके बाद कन्नौज जिले में पूरी तरीके से ई ऑफिस स्टैब्लिश हो चुका है, ये सही है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने 2018 में पूरे प्रदेश के सभी विभागों, जिलों, मंडलों में ई ऑफिस व्यवस्था को लागू करने के आदेश दिए थे, तो कन्नौज यहाँ पर पूरी तरीके से ई ऑफिस हो चुका है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी, सारे कथन यहाँ पे सही है, डी। उत्तर प्रदेश में पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री ने लंपी स्किन डिसीजेस जो हो रही है बोवाइन कैटल्स में, इनमें एक माह में कितने करोड़ वैक्सीन लगाने के निर्देश दिए थे, क्योंकि ये लंपी स्किन डिसीज अब उत्तर प्रदेश में फैल रही थी उत्तर प्रदेश के पशुओं में, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, 1 करोड़ वैक्सीन लगाने की बात यहाँ पे कही गई थी एक माह में उत्तर प्रदेश में। 25 सितंबर 2023 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कौन सी जयंती मनाई गई थी? दीनदयाल उपाध्याय जी की 107वीं बर्थ एनिवर्सरी यहाँ पे मनाई गई थी। 18 सितंबर 2023 को निम्नलिखित में किसकी अध्यक्षता में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में 42वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया था, तो किसकी अध्यक्षता में? हमारे आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आजाद गैलरी का शुभारंभ कहाँ पे किया? इलाहाबाद म्यूजियम में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, इलाहाबाद म्यूजियम में। और यहाँ पर फ्रीडम फाइटर चंद्रशेखर आजाद की जो पॉपुलर पिस्टल है बमतुल बुखारा जिसको कहा जाता है पॉपुलर तौर पर, इसको यहाँ पे इंस्टॉल किया गया था। काफी आकर्षक यहाँ पे माहौल था, आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, चंद्रशेखर आजाद जी की जो पिस्टल है उसको यहाँ पे रखा गया ऑफिशियली। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2023 के जुलाई में GST जमा करने के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे आगे है? तो ये आगे हो गया था मुरादाबाद, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। जनरली आप सोचते होंगे कि डेवलप्ड सिटी आएगा गौतम बुद्ध नगर, लेकिन यहाँ पे आया था मुरादाबाद, यहाँ पे सही है ऑप्शन नंबर बी। हालांकि हर मतलब कह सकते हैं महीने का आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अलग सा था इस वजह से हमने इसको लिया है। सितंबर 2023 में केंद्र सरकार में जिस तरीके की डेस्क ऑफिसर सिस्टम लागू है सचिवालय में, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सचिवालय अपने यहाँ पर सेक्रेटरीट डेस्क ऑफिसर सिस्टम लागू करने जा रहा है। हमारा आंसर सही हो जाएगा सी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जैसे 40 मिनिस्ट्रीज में डेस्क सिस्टम लागू है, उसी प्रकार से डेस्क सिस्टम लागू करेगा उत्तर प्रदेश अपने सेक्रेटरीट में, आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी। सितंबर 2023 में राज्य सरकार द्वारा वकील संगठन की मांग पर किस बिल के लिए 3 सदस्यीय समिति का सृजन किया गया है? तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाने के लिए, एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पर विचार करने के लिए एक समिति बनाई गई उत्तर प्रदेश में, आंसर सही हो जाएगा ए। 3 सदस्यों की समिति इसमें बनाई गई है, आंसर ए होगा इसमें। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के स्कूलों में एक सप्ताह में कुल कितने घंटे कक्षाएं चलाने का यहाँ पर रिकमेंडेशन दिया गया है? तो ये रिकमेंडेशन दिया गया कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 29 घंटे यहाँ पर क्लासेस चले एक वीक में, ठीक है, आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन 21 से 25 सितंबर को कहाँ पे किया गया था? ग्रेटर नोएडा में, ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा टी। इसको इनॉग्रेट किसने किया था? इसको इनॉग्रेट किया था हमारे प्रेसिडेंट जी ने, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। अयोध्या में कब तक रामचरितमानस अनुभव केंद्र का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा? तो रामचरितमानस अनुभव केंद्र बन जाएगा दिसंबर 2023 तक, आंसर सही हो जाएगा ए। 23 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री जी ने कहाँ पर वर्चुअल माध्यम से उत्तर प्रदेश में अटल आवासीय विद्यालय का लोकार्पण किया? तो वाराणसी की यात्रा पर पीएम मोदी जी गए थे, तो वहां पे अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण किया गया, ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही है। बीपैक सदस्यता महाभियान के बारे में क्या कथन गलत है? योगी आदित्यनाथ जी ने बीपैक महाभियान सदस्यता कैंपेन को लॉन्च किया है, पूरे उत्तर प्रदेश में इसको लागू किया जा रहा है। बीपैक महाभियान किससे संबंधित है, बस यही पूछ सकते हैं आपसे। तो रिसोर्स कोऑपरेटिव कैंपेन है और कोऑपरेटिव सोसाइटीज डेवलपमेंट से एसोसिएटेड है उत्तर प्रदेश में, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें यहाँ पे डी सही है, नन ऑफ द अबव यहाँ पे इनकरेक्ट है, यानी कि सारे कथन सही हो रहे हैं। 16 सितंबर 2023 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा कहाँ पर उत्तर प्रदेश में अंगदान पंजीकरण महाशिविर का आयोजन किया गया था? तो अंगदान पंजीकरण महाशिविर का आयोजन किया गया था आगरा में,
ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, आगरा ए। वर्ष 2029 माफ कीजिएगा, वर्ष 2019 से लेकर जून 2023 तक अगर तुलना करें, 5 साल में एफडीआई के मामले में उत्तर प्रदेश ने कितने गुना वृद्धि की है पिछले वर्षों की तुलना में? ठीक है, तो 2019 तक जहां 3,000 करोड़ रुपए के करीब एफडीआई इनफ्लो था, इसमें 11,000 करोड़ रुपए से अधिक एफडीआई इनफ्लो हो गया है 2019 से 2023 के बीच उत्तर प्रदेश में, तो ये 4 गुना करीब बढ़ गया है, 4 टाइम्स यहाँ पे बढ़ गया उत्तर प्रदेश में एफडीआई 19 से लेकर 23 तक, ये यहाँ पे जानकारी दी गई थी। एफडीआई इनफ्लो के मामले में स्टेट्स और यूटीज में उत्तर प्रदेश का रैंक क्या है इस समय अगर पूछ लें तो ये रैंक है लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार 11वां स्थान उत्तर प्रदेश, और 33 स्टेट्स और यूटीज को इसमें कंसीडर किया जाता है, तो 22 को पीछे छोड़ करके उत्तर प्रदेश का स्थान यहाँ पे हो गया है 11वां। ठीक है, इन्वेस्ट यूपी ने अपनी वेबसाइट पर आर्टिकल डाला था, ये काफी जरूरी है, आप मेंशन कर सकते हैं ग्रोथ ऑफ उत्तर प्रदेश दर्शाने में या कंट्रीब्यूशन ऑफ उत्तर प्रदेश इन डेवलपमेंट ऑफ कंट्री में। 5 सितंबर 2023 को शिक्षक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में कितने शिक्षकों को राजकीय शिक्षक पुरस्कार सम्मानित किया? जो प्रेसिडेंट जी ने जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार सम्मानित किया था 75 शिक्षकों में, उत्तर प्रदेश के 3 शिक्षक उसमें शामिल है, लेकिन उत्तर प्रदेश के स्टेट अवार्ड्स में 94 शिक्षकों को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, सी यहाँ पे सही है। वर्ष 2023 के अंत तक उत्तर प्रदेश के 8 जिलों को 100% डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम से लैस किया जाएगा, कौन सा एक जिला इन 8 में नहीं शामिल है? तो 8 में नहीं शामिल है अयोध्या, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, डी यहाँ पे सही है। बेहतर ट्रांसपोर्ट की सुविधा देने के लिए कितने नगर निगमों समेत 19 शहरों में ई बसें चलाने का निर्णय लिया गया है? उत्तर प्रदेश के 17 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में और 2 अन्य शहरों में ई बसें यहाँ पे चलाई जाएंगी और चलना शुरू भी हो गई हैं कुछ म्यूनिसिपल सिटीज में, आंसर सही हो जाएगा डी। 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला लखनऊ के बलरामपुर गार्डन में आयोजित किया गया था, ये सही। इसके बाद है कि यह पुस्तक मेला ज्ञान कुंभ की थीम पर आयोजित किया गया था, ये भी सही। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। उत्तर प्रदेश में भारतीय सेना का शौर्य संग्रहालय कहां पे बनाया जाएगा? भारतीय सेना का शौर्य संग्रहालय कहां बनाया जाएगा? ब्रेवरी म्यूजियम में बनाया जाएगा लखनऊ में, ठीक है, 8 एकड़ की जगह यहां पर तलाशी जा रही, लखनऊ में बनेगा ब्रेवरी म्यूजियम या शौर्य संग्रहालय। केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के किन 3 शहरों में 3 यूनिटी मॉल बनाने की घोषणा की गई है और इस पर काम शुरू हो गया है? तो 3 यूनिटी मॉल ये बनेगी लखनऊ में, आगरा में, वाराणसी में, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद बैठक में इस विधेयक के प्रारूप को अनुमोदित कर दिया गया है, तो ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। राज्य में शिक्षकों की भर्ती हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग का गठन किए जाने का प्रावधान किया गया है, जिसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, वैसे शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन यहाँ पे किया जाएगा, 1 अध्यक्ष, 12 सदस्य होंगे, 3 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल रहेगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। उपर्युक्त में से कोई भी कथन गलत नहीं है, सारे कथन सही है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के किस नगर में विश्व का पहला जल विश्वविद्यालय यानी कि वाटर यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाएगा? वाटर यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाएगा हमीरपुर में, आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा ए। प्राथमिक स्कूलों के कायाकल्प के मामले में वाराणसी उत्तर प्रदेश में 2रे स्थान पर आ गया है, सही है। पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर कासगंज है, पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ऊपर, तो ये सही है। ऑपरेशन कायाकल्प बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइमरी स्कूल्स के बारे में और जो है इसके बारे में डीप में आपको पढ़ना चाहिए। इस साल जो मेन्स हुआ था 5-6 का पेपर, उसमें भी ऑपरेशन कायाकल्प के बारे में पूछा गया था। हमारा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा डी, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, आंसर हो जाएगा। दिव्य कला मेला के संबंध में कौन सा कथन सही है? केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ए नारायण स्वामी ने वाराणसी में दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया था, ये सही है। तो लोकेशन ध्यान रखिएगा, दिव्य कला मेले का आयोजन हुआ वाराणसी में, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा इसका आयोजन किया गया, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ये पहल है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिए कि दिव्य कला मेला और भी ऑर्गेनाइज किए जाएंगे पूरे देश के 12 सिटीज में, उत्तर प्रदेश में वाराणसी में हुआ था, ध्यान रखिएगा, डी यहाँ पे सही है। बांस उत्पादों के लिए प्रसिद्ध प्रयागराज का किस गांव को टूरिस्ट डेस्टिनेशन विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये विकसित किया जाएगा देवरी विलेज को, प्रयागराज के देवरी विलेज को टूरिस्ट डेस्टिनेशन विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। वाराणसी में जनपद स्तरीय काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया था, वाराणसी के साथ गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, मिर्जापुर, भदोही को जोड़कर NCR की तर्ज पर वृहद बनारस की परिकल्पना इसने तैयार की है नीति आयोग ने। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, दोनों करेक्ट है, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट निम्नलिखित में से किस स्थल को परफ्यूम टूरिस्ट डेस्टिनेशन या फिर इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना चाहती है?
आंसर गैस करना सरल है, कन्नौज यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी। इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ पर परफ्यूम पार्क भी 15 नवंबर को इसका करीब उद्घाटन होना है, 15 नवंबर से परफ्यूम पार्क शुरू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। किस जिले में मौजूद रोडवेज ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र से महिला ड्राइवर का पहला बैच उत्तर प्रदेश में तैयार हुआ है? कानपुर में एक रोडवेज प्रशिक्षण केंद्र खोला गया था जिसमें वुमेन ड्राइवर्स को ट्रेनिंग दी जा रही थी, जिससे रोडवेज की बसेस वुमेन ड्राइवर्स चला सके उत्तर प्रदेश में। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी। महिला संबंधी अपराधों के निस्तारण में उत्तर प्रदेश पूरे देश में किस स्थान पर है? तो ये उत्तर प्रदेश है प्रथम स्थान पर, यानी कि पहले स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस एंथम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सही है? 16 अगस्त को उत्तर प्रदेश पुलिस के एंथम सॉन्ग को सोशल मीडिया पर जारी किया गया है। इस गाने के लेखक हैं रितेश रजवाड़ा और गीतकार कुंवर अंशित। उत्तर प्रदेश पुलिस का ये एंथम सॉन्ग है, या किसी ने सुना हो तो बताइए क्या बोल है उससे। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा 1 and 2 बोथ करेक्ट, डी। डी यहाँ पे सही है। NTCA की रिपोर्ट जो आई 2022 तक, इसमें जो आंकड़े दिए हुए 2023 में रिपोर्ट आई है, 2022 तक उत्तर प्रदेश में टाइगर्स की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में टाइगर्स हैं 205, 205 टाइगर्स हैं उत्तर प्रदेश में, सी। रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के बारे में क्या सही है? 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम ने रखी थी, और इसमें उत्तर प्रदेश के कितने स्टेशन को विकसित किया जाना है? 55 स्टेशनों को। अमृत भारत के तहत कितने स्टेशनों को विकसित किया जाना है, ये आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। अमृत भारत रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट में उत्तर प्रदेश के कितने स्टेशन शामिल हैं, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा डी, दोनों कथन सही है, 1 and 2 बोथ करेक्ट, डी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा के किस मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर मनकामेश्वर मंदिर करने की घोषणा की है? तो जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन अब मनकामेश्वर मंदिर मेट्रो स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर ए। सही कथनों का चयन करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया के अनुसार केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य मेला ई रूपी आदि योजनाओं को देश भर में लागू करेगी। ठीक, मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में व्हाइट टाइगर सफारी बनेगी, सही। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपरोक्त सभी या फिर बोथ 1 and 2 करेक्ट, आंसर डी होगा इसमें, डी। उत्तर प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की क्षेत्रीय शाखा खोलने की अनुमति दी है? तो आलू अनुसंधान की क्षेत्रीय शाखा खुलेगी आगरा दिल्ली हाईवे स्थित सिंगना गांव में। हमारा आंसर हो जाएगा सी, आगरा। उज्ज्वला योजना के तहत 1.75 करोड़ लोगों को मुफ्त LPG कनेक्शन देने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है। 31 करोड़ पर्यटकों के साथ डोमेस्टिक टूरिज्म में पहले स्थान पर है, डोमेस्टिक टूरिस्ट की संख्या के मामले में सही। उत्तर प्रदेश ने सौभाग्य योजना सहज बिजली हर घर योजना के अंतर्गत 1.58 करोड़ मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान किए हैं, सही। हमारा आंसर यहां पर हो जाएगा सी, डी एक्चुअली, ऑल ऑफ द अबव, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो जब भी कंट्रीब्यूशन ऑफ उत्तर प्रदेश पूछे मेंस में भी, तो आपके पास इनफ पॉइंट्स इसमें रहेंगे। पीएम स्वनिधि योजना के तहत 15 लाख स्ट्रीट वेंडरों को इतने करोड़ रुपए का लोन प्रदान किया है, और इस योजना में शीर्ष योगदानकर्ता या कंट्रीब्यूटर स्टेट बन गया है, सही। खाद्यान्न हरी मटर आम गन्ना चीनी आलू गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, सही। तिलहन उत्पादन में भी राज्य पहले स्थान पर आ गया है, ये भी सही। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, डी। एक्सप्रेसवेज के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, हमारा आंसर हो जाएगा ए, पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज के मामले में। वर्तमान में 6 एक्सप्रेसवे संचालित हैं और 7 निर्माणाधीन हैं, 7 बन रहे हैं 6 चल रहे हैं। राज्य में 10 करोड़ से ज्यादा पौधे रोपकर रिकॉर्ड बनाया है। राज्य सरकार ने 6 वर्षों में 2017-18 शुरू करते हुए 22-23 तक 136.98 करोड़ यहाँ पे करीब पौधे लगाए हैं, तो रफली हम मान के चल सकते हैं 137 करोड़। हमारा आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, सी यहाँ पे सही है। इसमें सही कथन का चुनाव करना है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक MSMEs हैं एंटरप्राइजेस, और ये कितने हैं? करीब ये 96 लाख हैं, ये संख्या सही कर लीजिए। इसमें कितने हैं? 96 लाख यहाँ पे हैं MSMEs। उत्तर प्रदेश में MSMEs की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर है पूरे सभी राज्यों में भारत में, और उत्तर प्रदेश क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन में 59.1% का कन्विक्शन रेट है यहाँ पे। तो कन्विक्शन के मामले में, दोष सिद्धि के मामले में भी यहाँ पर सेकंड पर है। यूपी में देश में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज जिनमें 65 चालू हैं, 22 बन रहे हैं, ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव उपर्युक्त सभी, आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का, सही।
सेकंड है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, सबसे तेजी से निर्मित हुआ एक्सप्रेसवे, सबसे फास्टेस्ट बना, सही। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, ये भी सही। गोरखपुर एक्सप्रेसवे, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे यूपी में एक्सप्रेसवे पश्चिम बंगाल के साथ कनेक्टिविटी में सुधार के लिए बन रहा है। गाजीपुर बलिया माझीघाट एक्सप्रेसवे, ये बिहार से यूपी कनेक्ट करेगा, ये निर्माणाधीन है, ये भी सही। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे के बारे में ये सारे कथन सही हैं, डी। सितंबर 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जल जीवन मिशन के तहत हर घर को पानी पीने की उपलब्धता के मामले में कौन सा राज्य देश में पहले स्थान पर है? तो बुलंदशहर इसमें पहले स्थान पर है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, बुलंदशहर। अक्टूबर मंथ 2023 का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं अगर आप, जैसे आरओ प्रीलिम्स का हमारा पेड ग्रुप चल रहा है, बीपीएससी का अब लेटेस्ट शुरू हुआ है, तो इन गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट सेक्शन सबसे पहले होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट अक्टूबर मंथ में उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कोई है नहीं खास, तो हम यहाँ पर अवार्ड्स एंड ऑनर्स से शुरू कर रहे हैं इसको। अवार्ड्स में सबसे पहले चतुर्थ TIOL राष्ट्रीय कराधान पुरस्कार, TIOL अवार्ड टैक्सेशन अवार्ड होता है, तो टैक्सेशन जो भी स्टेट्स का अच्छा उस टर्म्स में अवार्ड दिया जाता है। TIOL का मतलब है टैक्स इंडिया ऑनलाइन, तो टैक्स इंडिया ऑनलाइन ने जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश को पुरस्कार दिया। उत्तर प्रदेश के राज्य कर विभाग यानी GST विभाग को राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने हेतु राष्ट्रीय कराधान पुरस्कार में दो श्रेणियों में सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्तर पर GST संग्रह में उत्तर प्रदेश वैसे 5वां सर्वाधिक राजस्व देने वाला राज्य बन गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो टैक्स इंडिया ऑनलाइन में उत्तर प्रदेश को दो कैटेगरीज में अवार्ड मिला है, और उत्तर प्रदेश जो है 5th हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग स्टेट है पूरे इंडिया में इन टर्म्स ऑफ GST कलेक्शन एट नेशनल लेवल। संत कबीर राजकीय हथकरघा पुरस्कार, उत्तर प्रदेश में संत कबीर राजकीय हथकरघा पुरस्कार में चयन प्रक्रिया में तीन विजेताओं की घोषणा की गई थी। पहला पुरस्कार लक्ष्मी को मिला जो कि वाराणसी से हैं, दूसरा पुरस्कार यहाँ पर दिया गया रुखसार बेगम को मिर्ज़ापुर से, तीसरा यहाँ पर दिया गया है मंगला प्रसाद मौर्य को वाराणसी से। इसके बाद आ जाएंगे हम लोग स्कीम्स कैंपेन पर। स्कीम्स कैंपेन की ज़्यादातर न्यूज़ होती है स्टेट करेंट अफेयर में। सबसे पहले डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक इनिशिएटिव, डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक इनिशिएटिव दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है। तो ये क्लिनिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के रूप में काम करेंगे, जैसे आपके PHCs होते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, और OPD मरीजों को ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परामर्श अपना देंगे। जैसे OPD यानी बाह्य मरीज जो होते हैं जिनको भर्ती नहीं होना होता, दवा लेकर के चले जाते हैं, उनको OPD कहा जाता है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के मरीज उनको कहते हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी डिजिटल डॉक्टर इनिशिएटिव के तहत यहाँ पर इलाज पहुँचाया जाएगा दूरस्थ क्षेत्रों में, जहाँ पर इलाज इतना आसानी से या फिर इतने नज़दीक उपलब्ध नहीं है। तो सबसे पहले इसको कहाँ शुरू कर रहे हैं, इसको पायलट तौर पर शुरू किया जा रहा है, और जल्द ही लखनऊ बुलंदशहर में 20 केंद्र खुलने की उम्मीद है इसमें। तो पायलट तौर पर ही कहाँ पर शुरू किया गया डिजिटल डॉक्टर इनिशिएटिव, लखनऊ बुलंदशहर, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आ जाते हैं शक्ति दीदी इनिशिएटिव। 8 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए योगी सरकार ने शक्ति दीदी इनिशिएटिव शुरू किया है। तो इसमें शक्ति दीदी कौन होगी, महिला पुलिसकर्मी उत्तर प्रदेश की, इनको शक्ति दीदी कहेंगे। इनकी दो लोगों की टीम रहेगी, गाँवों में विभिन्न शहरों में जा करके महिलाओं को सरकार द्वारा जो कह सकते हैं योजनाएं दी जा रही हैं, जो विमेन कह सकते हैं विमेन इंसेंटिव वाली जो स्कीम्स हैं, तो बेसिकली स्कीम महिलाओं के लिए हैं, उनकी जानकारी प्रदान करना और उनके लाभ प्राप्त करने में उनकी सहायता करना, ये उद्देश्य है शक्ति इनिशिएटिव का। मतलब जाकर के पहले योजनाओं के बारे में बताना और किस तरीके से लाभ प्राप्त वो कर सकती महिलाएं, इसके बारे में भी अगर कोई समस्या है तो उसका निदान करना उद्देश्य रहेगा शक्ति दीदी जो नियुक्त की जाएंगी। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे शक्ति दीदी से पता चल रहा है तो ये मिशन शक्ति जो उत्तर प्रदेश का चल रहा है, जो इस समय 4th फेज में है, उसी का ये सब इनिशिएटिव हम लोग कह सकते हैं। जल आधारित पर्यटन एवं साहसिक क्रीड़ा नीति उत्तर प्रदेश की आ चुकी है, 1 अगस्त 2023 से इसको अधिसूचित किया गया है, 1 अगस्त 2023 से इसको अधिसूचित किया गया कैबिनेट के द्वारा, ये डेट ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकते हैं। वाटर बेस्ड टूरिज्म और एडवेंचर स्पोर्ट्स पॉलिसी, ये कब से अप्रूव हुई है, 1 अगस्त 2023 से, ये डेट ध्यान रखिएगा, और ये 10 वर्षों के लिए वैलिड रहेगी, ये भी ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य वही है कि उत्तर प्रदेश को वाटर टूरिज्म और एडवेंचर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के रूप में परिवर्तित करना। मेन्स के लिए भी इसके कुछ पॉइंट जरूरी हो सकते हैं, वो आप अलग से देखिएगा। प्रीलिम्स के लिए जरूरी है डेट कि कब से इसको लागू किया गया है और कितने वर्षों के लिए है, आगामी 10 वर्षों के लिए। चीफ मिनिस्टर ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अर्बन, ये वाला CM ग्रिड स्कीम आई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में सड़कों को और बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट CM ग्रिड योजना शुरू की गई है। तो CM ग्रिड योजना किसी मतलब बिजली से एसोसिएटेड नहीं, ध्यान रखिएगा। CM ग्रिड किसके लिए, ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए शहरी क्षेत्रों में। पहले चरण में जो 17 जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले सिटी हैं उत्तर प्रदेश में उनको शामिल किया जाएगा, दूसरे चरण में नगर पंचायतों और पालिका परिषदों की सड़कों को शामिल किया जाएगा, ये है इसमें, ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम में भी लिखा हुआ है।
आगे है मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन इनिशिएटिव। मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन इनिशिएटिव ये शुरू किया गया था, इसका उद्देश्य वही है जैसे डॉल्फिन प्रिजर्वेशन, ठीक है, डॉल्फिन कंजर्वेशन। इस कैंपेन के एक भाग के रूप में मुजफ्फरपुर बैराज से लेकर पूरे नरोरो बैराज तक फैली गंगा नदी में डॉल्फिन की आबादी की गणना की गई थी, तो एक कह सकते हैं डॉल्फिन काउंटिंग एक्सरसाइज की गई थी। और एक और जरूरी बात है कि उत्तर प्रदेश के सीएम जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने अक्टूबर में पहले वीक में गैंगटिक डॉल्फिन को स्टेट एक्वाटिक एनिमल घोषित कर दिया है उत्तर प्रदेश का। अभी तक उत्तर प्रदेश का कोई स्टेट एक्वाटिक एनिमल नहीं था, लेकिन अब इसको घोषित कर दिया है डॉल्फिन को स्टेट एक्वाटिक एनिमल उत्तर प्रदेश का। वंदन स्कीम, वंदन स्कीम जो है आई है, इसमें उद्देश्य है जो शहरी निकाय हैं ULBs हैं वहाँ पर सांस्कृतिक पौराणिक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों का विकास किए जाने के लिए वंदन योजना आई है। तो वंदन योजना का उद्देश्य क्या है, बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल माइथोलॉजिकल हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस प्लेसेस लोकेटेड इन अर्बन बॉडीज इन उत्तर प्रदेश। मतलब शहरी निकायों में जो मतलब मंदिर हैं, कोई पुराने म्यूजियम्स हैं, उनका रखरखाव करना, और कह सकते हैं जो कल्चरल सेंटर्स हैं, माइथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के जो प्लेसेस हैं, स्थल हैं, ठीक है, कोई जगहें हैं, तो उनका जीर्णोद्धार करना उद्देश्य है। मिशन शक्ति 4.0 ने आपको बताया 14 अक्टूबर से इसको शुरू कर दिया गया है। मिशन शक्ति का ये चतुर्थ चरण है, ठीक है, तो चौथा फेज ये शुरू कर दिया गया है। आप हमको जल्दी से कमेंट करके बताइए कि मिशन शक्ति जो है सबसे पहली बार उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में आरंभ किया गया था, आप ईयर का नाम एटलीस्ट बताइए, मिशन शक्ति कब शुरू किया गया था। ज्ञान डेयरी मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स इनिशिएटिव, तो ये शुरू किया गया है GIDA में, गोरखपुर में, GIDA में, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के सेक्टर 26 में ज्ञान डेयरी की दुग्ध और दुग्ध उत्पाद परियोजना का लोकार्पण किया गया है, ठीक है, और डेयरी उद्योग से जुड़ी 5 महिलाओं को इसमें सम्मानित भी किया गया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं समिट्स इवेंट्स पर आ जाते हैं। तो सबसे पहला इवेंट उद्यान उद्यमी सम्मेलन हॉर्टिकल्चर इन्वेस्टर्स मीट, ये लखनऊ में हुई थी, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी आईकार का केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान जो है रहमान खेड़ा लखनऊ में है, ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है कि केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पे, लखनऊ में, यहाँ पे हॉर्टिकल्चर इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया था। इसके बाद संचारी रोग नियंत्रण अभियान और जो दस्तक अभियान हर साल मैंडेटरी उत्तर प्रदेश चलाता है मानसून के बाद, उसको चलाया गया था यहाँ पे। वैसे तो मानसून मंथ में ही शुरू कर दिया जाता है इसको जनरली, जुलाई में, थोड़ा सा लेट इस बार शुरू हुआ है क्योंकि जो कई बार जो सीजनल बुखार वगैरह होता था उसके केसेस कम देखे गए हैं, तो ये बेसिकली कम्युनिकेबल डिसीजेस रोकने के लिए ये दस्तक अभियान उत्तर प्रदेश में चलाया जाता है। इस बार ये 31 अक्टूबर से चलाया गया था, गोरखपुर से इसको शुरू किया गया था, ठीक, इतना ध्यान रखिएगा। स्पोर्ट्स में वर्ल्ड पुलिस गेम्स का आयोजन हुआ था कनाडा के विनीपेग में, एक तो अपने आप में फैक्ट हो गया कि वर्ल्ड पुलिस गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, कनाडा के विनीपेग में, और इस गेम में उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की सोनम ने ट्रिपल जंप में जो है गोल्ड मेडल जीता है, ध्यान रखिएगा। अमरोहा इंपॉर्टेंट प्लेस है, यहाँ से मोहम्मद शामी बिलोंग करते हैं जो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और होपफुली इंडिया को फाइनल भी जिता सकते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप मेंस 2023 का जो चल रहा है उसमें। उत्तर प्रदेश T20 लीग, उत्तर प्रदेश T20 लीग का आयोजन किया गया था 30 अगस्त से 16 सितंबर के बीच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में, ठीक है, कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में आयोजन किया गया। 6 फ्रेंचाइजी टीमों ने भाग लिया था इसमें जो विभिन्न शहरों से बिलोंग करती थी, वाराणसी की टीम थी, मेरठ की, नोएडा की, गोरखपुर की, लखनऊ की, कानपुर की, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। आजकल ज़्यादातर इंटरनेशनल मैचेस इकाना स्टेडियम लखनऊ में हो रहे हैं, लेकिन ये जो है डोमेस्टिक स्तर का टूर्नामेंट हुआ था T20 मेंस का क्रिकेट का, ये हुआ था कानपुर के ग्रीन पार्क में। इसके बाद पहली खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग, इसका आयोजन हुआ था IG स्टेडियम लखनऊ में, जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इसका आयोजन किया था। लखनऊ ने खेलो इंडिया महिला जूडो लीग में 12 स्वर्ण, 5 रजत और 22 कांस्य पदक जीते हैं, पहला स्थान लखनऊ की टीम ने प्राप्त किया है। बस इतना ध्यान रखिएगा, जैसे यही पूछ सकते हैं कि फर्स्ट खेलो इंडिया विमेन्स जूडो नेशनल लीग का आयोजन किस शहर में हुआ, तो ये हुआ था राजधानी में, लखनऊ में। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग एशियन पैरा गेम्स 2023, हांगजू चीन में इसका आयोजन हो चुका है। एशियन पैरा गेम्स में उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद के अंकुर धामा ने 5000 मीटर में स्वर्ण पदक इसमें जीता था। पैरा गेम्स में बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, एशियन पैरा गेम्स में, एशियन गेम्स में नहीं। रैंक्स रिपोर्ट्स इंडेक्स में सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की रिपोर्ट आई थी, रेस्पायर लिविंग साइंसेस नामक एक कह सकते हैं मैगजीन चलती है या फिर जो इनका निकाय है, तो शीर्ष 10 में उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रदूषित शहर पाए गए हैं। 5वें स्थान पर नोएडा, 6th पर गाजियाबाद, 7th पर मेरठ, ये ध्यान रखिएगा। टॉप 10 जो मोस्ट पॉपुलेटेड पॉल्यूटेड सिटीज की लिस्ट में 5वें पर नोएडा, 6th पर गाजियाबाद, 7th पर मेरठ, रेस्पायर लिविंग साइंसेस की इस रिपोर्ट में। हम आ जाते हैं MCQ सेक्शन पे। उत्तर प्रदेश सरकार के 7 शहरों में नई टाउनशिप स्थापित करने के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया कैबिनेट के द्वारा, तो ये 7 शहरों में कौन सा शामिल नहीं है ये बताना है। तो 7 शहरों में शामिल है गोरखपुर, चित्रकूट, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, बुलंदशहर, बरेली, जहां पर नई टाउनशिप विकसित की जाएगी।
तो झांसी में नहीं की जानी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, झांसी में नहीं की जानी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पशु जन्म नियंत्रण केंद्र ABC सेंटर स्थापित किए जाएंगे, क्योंकि आपने देखा जो आवारा कुत्तों के द्वारा किसी पर हमला कर देने की वारदातें बढ़ रही हैं और लोगों की मृत्यु तक हो जा रही है, ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, तो ABC सेंटर स्थापित किए जाएंगे। एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे, सही है। इसके बाद प्रयागराज एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला प्रदेश का पहला एयरपोर्ट बनने जा रहा है, ये भी न्यूज़ सही है, न्यूज़ आई थी। महाकुंभ जो 2025 में होगा, यहाँ पर स्ट्रीट वेंडिंग जोन डेवलप किए जाएंगे प्रयागराज में, जैसे पेरिस और लंदन में स्ट्रीट वेंडिंग जोन होते हैं, ये भी सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा एक भी सही, दो भी सही, तीन भी सही, आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 और 3 तीनों करेक्ट हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा विश्वविद्यालय अपना पहला नैनो उपग्रह कार्यक्रम विकसित कर रहा है? ठीक है, अपना नैनो सैटेलाइट प्रोग्राम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी MU डेवलप कर रहा है, काफी दिन से ये चर्चा में है। इसमें क्या कर रहा है MU, बेसिकली एक MU सैट बना रहा है, सर सैयद अहमद खान के नाम पर इसका नाम रखा गया MU सैट। ये किसी यूनिवर्सिटी का पहला नैनो सैटेलाइट कार्यक्रम है, तो इसके लिए जो है इसरो की मंजूरी मिल चुकी है इनको। तो इसमें जैसे पूछ लें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो नैनो सैट बना रहा है उसका नाम क्या है, तो या फिर किससे प्रेरित है, तो ये जो है MU के फाउंडर सर सैयद अहमद खान के नाम से प्रेरित है। MU की स्थापना जो है किस वर्ष में हुई थी, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो MU इस तरीके से आपको बताना है कि जो इनिशियली इसका नाम था एंग्लो मोहम्मदन कॉलेज जो करके नाम था सर सैयद अहमद खान ने स्टैब्लिश किया था, किस वर्ष में स्टैब्लिश हुआ था, जल्दी से कमेंट करके बताइए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। बाल श्रमिक विद्या योजना फिर से चर्चा में आई है, इसके बारे में बताना है क्या सही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि प्रदेश के पूरे 75 जिलों में बाल श्रमिक विद्या योजना को एक्सटेंड कर दिया जाएगा, ठीक है, ये सही अनाउंसमेंट हुई है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि ये स्कीम उत्तर प्रदेश के CM ने लॉन्च की थी 12 जून 2020 को, 20 डिस्ट्रिक्ट में इसको लॉन्च किया था कोविड के बाद, ठीक, ये भी सही है। ठीक, तो दोनों हमारे सही उत्तर हैं, डी यहाँ पे सही हो जाएगा, पहले तो ये ध्यान रखिए, एक और दो दोनों सही है। और बाल श्रमिक विद्या योजना 8 से 18 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे कामकाजी बच्चों किशोर किशोरियों को कवर करती है, उनको लाभ देने की कोशिश करती है जिनके द्वारा मजदूरी या कोई ऐसा काम किया जा रहा है जो मतलब उन्हें नहीं करना चाहिए, मतलब भारी काम नहीं करना चाहिए, पढ़ाई की जगह अगर वो कुछ और कर रहे हैं 8 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे उत्तर प्रदेश में, तो उनकी आय की क्षतिपूर्ति कर उनका विद्यालय में प्रवेश कराकर ये निस्तारण सुनिश्चित करना है कि उनको इतना धनराशि दी जाए कि आप एटलीस्ट वो स्कूल में दाखिला ले सकें। तो आर्थिक सहायता की धनराशि प्रत्येक माह ₹1,000 बालक को मिलनी है और ₹1,200 बालिका को मिलनी है, ये ध्यान रखिएगा। लाभार्थी जो है किस आयु वर्ग के होंगे बाल श्रमिक विद्या योजना के, 8 से 18 वर्ष के, ये ध्यान रखिएगा। इसमें मेजर शर्त यही है, बाकी कुछ और शर्तें हैं कि माता पिता नहीं रहे हों, ये सब भी शर्तें हैं, ठीक है। बाल श्रमिक विद्या योजना पहले 20 डिस्ट्रिक्ट में शुरू की गई थी, अब इसको 75 जिलों में एक्सटेंड किया जाने वाला है। किस जिले में उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक का निर्माण किया जा रहा है, काफी चर्चा में है, लास्ट ईयर भी मैंने शायद आपको बताया था इस मंथ के करंट अफेयर में। तो धनुष के आकार का स्काई वॉक फाइनली निर्मित किया जा रहा है चित्रकूट में, कहां पे इसका जो है किया जा रहा है, चित्रकूट में तुलसी झरने पर इसको बनाया जा रहा है, जिसको शबरी झरना भी कहा जाता है। तो ये देश का पहला, प्रदेश का पहला माफ कीजिएगा, ग्लास स्काई वॉक होगा चित्रकूट में। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट पर एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया था, ठीक है। ये वर्कशॉप कहाँ पे हुई थी, ये बड़ा जरूरी है, ये वर्कशॉप हुई थी पीलीभीत में, ये ध्यान रखिएगा, कहाँ पे हुई थी ये वर्कशॉप, हुई थी पीलीभीत में, ये सही है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सारस गणना रिपोर्ट WWF इंडिया और उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा संकलित जो की गई थी उसको जारी किया, और लग्गा बग्गा कॉरिडोर नामक पुस्तक का विमोचन भी किया, तो ये भी सही है। जो हम लोग कह सकते हैं स्टॉर्क सेंसस जो हुआ था सारस क्रेन का, उसको भी, इस रिपोर्ट को भी यहाँ पे अनेवील किया उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री जी ने। तराई एलिफेंट रिजर्व जो है ये 33वां एलिफेंट रिजर्व भारत का घोषित हो चुका है, और ये सेकंड एलिफेंट रिजर्व है उत्तर प्रदेश स्टेट का, ये भी सही है। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा, सभी कथन यहाँ पे सही हैं, डी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, सभी कथन सही है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के किस जिले में औद्योगिक गलियारे को विकसित किए जाने की योजना प्रस्तावित है, मतलब उत्तर प्रदेश के मतलब किस जिले को ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर से लिंक किया जाएगा, तो किया जाएगा वाराणसी को, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, वाराणसी। यहाँ पे माफ कीजिएगा, यहाँ पे फ्रंट नहीं होगा, यहाँ पे होगा फ्रेट कॉरिडोर, ठीक है, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से इसमें जोड़ा जाएगा, यहाँ पे फ्रंट लिख गया है, यहाँ पे होगा फ्रेट। रामपुर लाइब्रेरी अभी चर्चा में थी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है इसके बारे में? पहला कथन है कि यहाँ पे एक रजा लाइब्रेरी है, इसके 250 वर्ष स्थापना के पूरे हो चुके हैं, 7 अक्टूबर 2023 से 7 अक्टूबर 2024 तक यहाँ पर एक लाइब्रेरी महोत्सव मनाया जा रहा है, ये कथन सही है रजा लाइब्रेरी के बारे में जो कि रामपुर स्थित है। इसके बाद ये 1774 में एग्जिस्टेंस में आई थी, 1774 में इसकी स्थापना की गई थी,
नवाब फैजुल्ला खान की पर्सनल लाइब्रेरी के रूप में इसको स्टैब्लिश किया गया था, ये भी सही है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी, दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, कोई भी गलत नहीं है, ना तो एक ना ही दो। उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के बारे में कौन सा कथन आपका गलत है? उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में राज्य के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले यानी कि उत्तर प्रदेश के पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो का और मतलब कह सकते ऑर्गेनाइजेशन आयोजन किया गया था 21 सितंबर से 25 सितंबर 2023 के बीच। ये डेट ध्यान रखिए, वेन्यू ध्यान रखिए, ग्रेटर नोएडा। ये राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला था, इसका उद्घाटन किया प्रेसिडेंट जी ने, द्रौपदी मुर्मू जी ने, सही। इसके बाद है कि इस व्यापार मेले में 108 नए स्टार्टअप भी शामिल किए गए हैं, ये भी सही है। आंसर इसमें हो जाएगा, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, डी यहाँ पे सही है। आगे हम लोग उड़ते हैं, अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से प्रतापगढ़ के कौन से रेलवे स्टेशन या स्टेशन का नाम परिवर्तित किया गया है? तो तीनों ही स्टेशन का नाम बदलकर दूसरा रख दिया गया है। अंतुर जंक्शन का नाम बदला गया है, बिश्नाथगंज स्टेशन का नाम बदला गया, प्रतापगढ़ का नाम बदला गया है। पुराना नाम प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन, इसका नाम रख दिया गया है बेला देवी प्रतापगढ़ जंक्शन। अंतु जंक्शन का नाम माँ चंद्रिका देवी धाम जंक्शन, और बिश्नाथगंज स्टेशन का नाम बदलकर शनिदेव धाम बिश्नाथगंज जंक्शन ये रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पर बन रही है 700 करोड़ की लागत से उत्तर प्रदेश में? तो मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है मेरठ में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, मेरठ। अगला सवाल है, कौन सा कथन यहाँ पे गलत यानी कि रॉन्ग है? पहला स्टेटमेंट है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने पंच प्रण कॉन्सेप्ट को अपनाया है जिससे कि स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस और जो डेवलपमेंट की है वो सिटीजन्स में विकसित की जा सके, इनकलकेट की जा सके। तो पंच प्रण क्या है? बेसिकली पंच प्रण मेरी माटी मेरा देश इनिशिएटिव के साथ पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया था, ठीक है। तो पंच प्रण क्या लेने थे, पंच प्रण के बारे में बताया गया था। पहला तो रहेगा मेक इंडिया डेवलप्ड एंड सेल्फ रिलायंट बाय 2047, आत्मनिर्भर बनाना है और विकसित देश बनाना है, विकासशील से विकसित देश की तरफ उनको बढ़ना है 2047 से, जब आज़ादी के 100 साल पूरे हो रहे होंगे। किसी भी तरीके के कॉलोनियल माइंडसेट को हमको उखाड़ फेंकना है, हटा देना है, ठीक है, और अपने हेरिटेज को सेलिब्रेट करना है, अपनी विरासत का जश्न मनाना है। स्ट्रेंथन यूनिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर दोज हु प्रोटेक्ट द कंट्री, जैसे कि सोल्जर्स जो हमारे राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं उनकी उनका सम्मान करना है, और आपस में बंधुत्व की भावना रखना है, एकत्व की भावना रखना है, यूनिटी, परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, जो भी सिटीजन की ड्यूटी है उसको परफॉर्म करना है। तो इस तरीके से हमारा ये पंच प्राण प्लेज है। इसके बाद है, जनेश्वर विश्व पार्क में उत्तर प्रदेश सरकार एक कांच की भूल भुलैया बनवाएगी, ठीक है। कांच की भूल भुलैया बनाए जाने के बाद कही गई जनेश्वर विश्व पार्क जो लखनऊ में है, तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, यानी कि दोनों ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, दोनों ही इनकरेक्ट नहीं है, करेक्ट स्टेटमेंट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। भारत का पहला इंडियाज फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, इसको इनॉग्रेट किया गया था, पीएम जी ने किया था, यहाँ पे लिखा है उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने इनॉग्रेट किया था, ये गलत है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। 20 अक्टूबर को पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया था, भारत की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत ट्रेन के नाम से लॉन्च की थी, ये भी सही है। तो रेल सर्विस जो नमो भारत लॉन्च की गई वंदे भारत की तर्ज पे, ये सही है। इसके बाद है कि जो प्रथम चरण है रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, तो इसका संचालन गाजियाबाद के साहिबाबाद से दुहाई डिपो के बीच होगा, जिसकी लंबाई करीब 17 किलोमीटर होगी, तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा 2 और 3 यहाँ पे सही है, करेक्ट पूछा है तो आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3 सही है, पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, योगी जी ने नहीं लॉन्च किया था इसको, पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया था। उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने जनपद झांसी के कितने गांवों को सम्मिलित करते हुए बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी BIDA के गठन हेतु अधिसूचना के आलेख को अनुमोदित कर दिया है? तो झांसी में 33 गांवों को मिला करके यहाँ पर BIDA यानी कि बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का सृजन किया जाना है, ध्यान रखिएगा, झांसी जनपद के 33 गांवों को मिलाकर के BIDA को बनाया जाएगा। अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने गैंगटिक डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित कर दिया राजकीय, ये सही है, स्टेट एक्वेटिक एनिमल घोषित कर दिया गया है गैंगटिक डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने वाराणसी के BHU में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के आयोजित विद्यार्थी परामर्श कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। काउंसलिंग प्रोग्राम यहाँ पर जो हुआ था IIT BHU का, उसको इनोग्रेट किया था निर्मला सीतारमण जी ने अक्टूबर में, ये सही है, तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1 और 2 बोथ करेक्ट, सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट, सी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने राज्य का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय का शिलान्यास किस शहर में किया है? तो राजधानी में किया है लखनऊ में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, इकाना क्रिकेट स्टेडियम के पास, ये उत्तर प्रदेश राज्य का पहला
नौसेना का सौर्य संग्रहालय ये बन रहा है। मिशन शक्ति का जो चतुर्थ चरण चल रहा है, इसके लिए उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है गोंडा डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति कैफे अभी इनॉग्रेट किया गया है। सही है, इसमें इनकरेक्ट पूछा है, तो पहला वाला तो सही है। सेकंड वाला पूछा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इंडिया फर्स्ट रैपिड रेल सर्विस नमो भारत ट्रेन को साहिबाबाद में नेशन को कह सकते हैं समर्पित किया है। सही है, तो दोनों स्टेटमेंट हो गए सही, तो इनकरेक्ट कोई नहीं है इसमें, डी यहाँ पर सही हो जाएगा, दोनों में से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के रिलीफ डिपार्टमेंट में नए प्रदेश के लिए 450 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाने के निर्देश यहाँ पर जारी कर दिए हैं। सही, राहत विभाग की ओर से लखनऊ, अलीगढ़, झांसी और आजमगढ़ में डॉपलर वेदर रडार लगाए जाने हैं, ये भी सही है। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, यहाँ पे सही है, एक और दो दोनों ही यहाँ पे करेक्ट यहाँ पे स्टेटमेंट है। उत्तर प्रदेश के 10 से अधिक आबादी वाले शहरों में ट्रांसपोर्ट नगर, आर्थिक जोन और उद्योग और व्यवसायिक गतिविधियों के लिए ग्रीन आरक्षित क्षेत्र बनेगा। मतलब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिटीज, इकोनॉमिक जोन, इंडस्ट्रीज और बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए जो है ग्रीन एरियाज, जो है ग्रीन जोन विकसित किए जाएंगे। 500,000 से अधिक पॉपुलेशन वाले कह सकते हैं सिटीज़ के लिए ये ग्रीन जोन बनाए जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय यानी कि उत्तर प्रदेश वेटरनरी साइंस कॉलेज जो है ये इस्टेब्लिश किया जाएगा गोरखपुर में। आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा ए, यहाँ पे सही है गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में भारत का तीसरा जीरियाट्रिक केयर एंड रिहैबिलेशन सेंटर, नेशनल एजिंग सेंटर जिसको कहा जाएगा, ये बनाया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में पहला ये बनेगा नेशनल एजिंग सेंटर, या फिर कह सकते हैं इंडिया का तीसरा जीरियाट्रिक केयर एंड रिहैबिलेशन सेंटर ये बनेगा यूनिवर्सिटी ऑफ वाराणसी में या फिर BHU में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, वाराणसी के विश्वविद्यालय में बनेगा बी। वर्तमान में इस तरीके के जीरियाट्रिक सेंटर कहाँ पे है? एम्स दिल्ली में है और चेन्नई में है। मद्रास मेडिकल कॉलेज में इस तरीके का जीरियाट्रिक सेंटर बना है और एम्स में बना है, और ये तीसरा बनेगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश लगातार EVs यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रहा है, उसके संदर्भ में क्या सही है? उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेस वे पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अत्याधुनिक चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, ये सही है। इसके बाद है कि यमुना, आगरा, लखनऊ, बुंदेलखंड, पूर्वांचल, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर बैटरी स्वैपिंग व्यवस्था युक्त सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, यानी कि आप अपनी बैटरी जो है वो हम छोड़ सकते हैं, चार्ज बैटरी लेकर के जा सकते हैं, तो बैटरी स्वैप सुविधा भी वहाँ पे उपलब्ध होगी। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी UPEDA जो है ये चार्जिंग स्टेशनों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से डेवलप करने वाला है, ये सही है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, सारे कथन वैसे यहाँ पे सही हो रहे हैं, आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे डी। श्री अन्न नामक जो मिलेट फेस्टिवल अभी बनाया गया लखनऊ में, उसके बारे में बताना क्या सही है? 27 से 29 अक्टूबर को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव और राज्य स्तरीय मिलेट कार्यशाला का आयोजन किया गया था। सही, इसको इनॉग्रेट लेकिन PMG ने नहीं किया था, ये यहाँ पर रॉन्ग है। इस महोत्सव का उद्देश्य राज्य में बाजरा या फिर मोटे अनाज की खेती और खपत के संदर्भ में लोगों और किसानों के बीच जागरूकता का सृजन करना है। सही, हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, यहाँ पे सही है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश के निवेश के आंकड़ों का संकलन करने वाली एजेंसी जो KPMG है, इसने रिपोर्ट जारी की है कि उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला राज्य बन गया है। सही, इसके बाद है कि देश वर्तमान में 108 से ज़्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप मौजूद हैं देश में, इनमें से 8 उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है, ये भी सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, यहाँ पर सही है, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट, सी 1 एंड 2 बोथ करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का रैंक यहाँ पे टॉप है पूरे भारत में हर घर जल योजना या फिर जल जीवन मिशन के तहत नंबर ऑफ टैप वाटर कनेक्शंस प्रोवाइड करने में। ठीक है, ये सही है। इसके बाद है 30 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की अगस्त सितंबर माह की रैंकिंग के अनुसार पढ़ाई लिखाई और अनुशासन जैसे मानकों पर पूर्वांचल के सरकारी स्कूल अव्वल रहे हैं, तो ये भी यहाँ पे सही है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1 एंड 2 बोथ करेक्ट, सी यहाँ पे सही है, 1 एंड 2 बोथ करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गुंडा राज खत्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक जिराफ शुरू किया गया था अक्टूबर 2023 में, ये भी सही है। इसके बाद है कि वायुसेना के 91वें स्थापना दिवस पर प्रयागराज में पहली बार एयर शो, फ्लाई पास्ट और परेड का आयोजन किया गया था। देखिए,
ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता अगर ये दिल्ली में हुआ होता। फ्लाई पास्ट और परेड नौसेना दिवस की जनरली दिल्ली में होती है। अब तक दो बार दिल्ली से बाहर हुई है, एक बार मध्य प्रदेश में हुई थी और एक बार अभी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में 91वें स्थापना दिवस पर फ्लाई पास्ट और परेड का आयोजन किया गया था। तो ये हम ध्यान रखेंगे। 1 and 2 बहुत करेक्ट है, यहाँ पर सही है। ये वाला जरूर ध्यान रखिएगा, ये आ सकता है 91वें इंडियन एयरफोर्सेस के स्थापना दिवस पर तो फ्लाई पास्ट परेड और सेरेमनी का आयोजन इस बार हुआ है प्रयागराज में और अभी तक केवल दो बार दिल्ली से बाहर हुआ है। और कृषि कुंभ 2.0 के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? कृषि कुंभ का आयोजन होना है दिसंबर 2023 में और इसका आयोजन कहाँ पे होना है? इसका मुख्य कार्यक्रम का आयोजन होना है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, आंसर हो जाएगा सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी।